सामर्थ्य पिता हम यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। महान परमेश्वर, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग, परमेश्वर के लोग आपस में मिले रहे। सचमुच यहाँ पे इतने सारे लोग पिता मिल के हम तेरे आराधना करते, इस खड़ी हम तेरे बारे में सीखने के लिए आए हैं। महान परमेश्वर पिता होने दे प्रभु, इस खड़ी हम अपने शारीरिक दशा से हम आत्मिक दशा में आ जाए यीशु मसीह के नाम से। लोग पढ़ते पिता, जो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है पूरी रीति से कब्जा कर ले पिता, हमारे सोच विचार में भी हम हर एक बातों को हम आपके हाथ में देते हैं पिता। इस जगह के ऊपर हम इस जगह को हम आपके हाथ में सरेंडर करते हैं पिता। जितने लोग रास्ते में हैं उन्हें हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु। पिता आपके जो प्रिय जन है पिता, जिनके माध्यम से हम यहाँ पे सीखते हैं पिता, हम उन्हें हम आपके हाथ में देते हैं। हम हर एक के ऊपर हम तेरे लहू को हम लगाते हैं प्रभु ईश पिता। धन्यवाद सारी बातों के लिए पिता। इस खड़ी आपकी आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा हम आपकी सहायता से पिता को महिमा देना चाहते हैं सचमुच, क्योंकि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना स्तुति करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करना चाहते हैं इस खड़े। पिता धन्यवाद कि हम जीवित हैं पिता। धन्यवाद कि आज हम यहाँ पे पाए जाते हैं प्रभु। धन्यवाद कि आज हम बिजी नहीं है, आज हम यहाँ वहां नहीं, लेकिन आज हम आपके भवन में पाए जाते हैं प्रभु। पिता धन्यवाद ईश्वर, आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद पिता। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं ईश्वर के नाम से। आमेन। हालेलुया। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, उसका आत्मा हमारे बीच में है। क्योंकि यीशु मसीह ने उसे हमारे लिए उपलब्ध किया है। हम लोग पिछले सप्ताह से पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने इस बात को सीखा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर त्रिएक है और उसमें का तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा है। हम लोग फिर भी ये नहीं कह सकते कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन, लेकिन सुविधा के लिए, हमारी सुविधा के लिए हम इस रूप में कहते हैं तीसरा व्यक्ति। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो पिता से कम है, पुत्र से कम है, तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन इसलिए क्योंकि हम लोग कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो तीसरे नंबर पर पवित्र आत्मा का नाम लेते, इसलिए तीसरा व्यक्ति कहते। तीनों एक दूसरे के बराबर है, कोई किसी से कम नहीं। हमने सीखा कि वो परमेश्वर है और हमारे लिए उपलब्ध किया गया है। हम लोग इसके विषय में और भी कई दिनों तक सीखेंगे, लेकिन आज हम इस बात को सीखना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा पुराने नियम के समय में किस रीति से काम करता रहा, किस रीति से उसने यीशु मसीह के आने से पहले काम किया और ये सीखना इसलिए जरूरी है कि पुरानी वाचा के तहत जब पवित्र आत्मा ने काम किया तो हम लोग नई वाचा के, अगर उसने वहां कुछ भी काम किया तो हम लोग उसके हिस्सेदार नई वाचा में, बल्कि हम लोग उससे बढ़कर दावा रखते हैं। हम लोग जब नई वाचा में पहुंचेंगे पवित्र आत्मा के विषय वहां पर सीखेंगे, लेकिन पुरानी वाचा के विषय सीखना जरूरी है ताकि हम इसको सीख सके। कई बार जब पवित्र आत्मा काम करता है तो पुरानी वाचा में जिस तरीके से उसने काम किया उससे अलग काम करता है, हम लोग उसको स्पष्ट रूप से सीखेंगे। अगर हम लोग ध्यान से देखना चाहें तो हम लोग पाएंगे कि पवित्र आत्मा ने जो कुछ पुराने नियम में किया उसमें सबसे पहला काम था सृष्टि का काम। हमने देखा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और तब जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा वैसा वैसा हो गया। दरअसल हो गया, ये अपने आप से हो जाने की बात नहीं है, उसको करने वाला कोई था, उसको करने वाला पवित्र आत्मा था जो उन सब चीजों का अस्तित्व में ले आया। हमने तो दूसरा भी पद निकाल कर देखा था जिसमें यह लिखा हुआ था कि जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी वस्तु उसके बिना अर्थात यीशु मसीह के बिना उत्पन्न नहीं हुई। अर्थात सृष्टि के काम में पिता शामिल था, प्रभु यीशु मसीह शामिल थे और पवित्र आत्मा शामिल थे। पवित्र आत्मा सृष्टि करता है, पवित्र आत्मा सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, उसने सृष्टि का काम किया।
सृष्टि के लिए जो शब्द इब्रानी शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो शब्द है बारा। बारा का अर्थ होता है कुछ नहीं में से कुछ बनाना, कुछ नहीं में से कुछ बनाना, यह बारा। और पवित्र आत्मा ऐसा करने में सक्षम है कि वो कुछ नहीं में से कुछ बना सके। इस संसार में जितने भी वस्तुएं हम देखते हैं वे कुछ नहीं में से बनकर आई, हालांकि वो ऐसी वस्तु में से बनकर आई थी जो वस्तु नहीं थी। इब्रानी की पुस्तक कहती है विश्वास के द्वारा वो सब बनी, लेकिन वो कुछ नहीं में से आई है। इस संसार में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, सब लोगों ने कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश की, कुछ आविष्कार किए, कुछ चीजों को खोजा, लेकिन जब भी कोई नया आविष्कार हुए तो कोई चीजों को लेकर के, मिट्टी को लेकर ही बर्तन बनाएंगे और भी दूसरी चीजों को लेकर ही बनाएंगे। तो जब तक आपके पास कुछ ना हो आप कुछ नया नहीं बना सकते, लेकिन पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो कुछ नहीं में से कुछ बना सकता है। कुछ है ही नहीं, वहां कुछ लेकर आ सकता है। यह सृष्टि, उसने ऐसे ही काम किया। इसके अलावा जितने भी आश्चर्य कर्म हम लोग देखेंगे बाइबल में, चाहे वो पुराने नियम हो चाहे नया नियम हो, जितने भी आश्चर्य कर्म है सारे आश्चर्य कर्म पवित्र आत्मा के द्वारा किए गए, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में पवित्र आत्मा पिता के साथ मौजूद था, पृथ्वी के ऊपर मंडलाता था, तो वो सृष्टि के अंत तक यहां पर काम करता रहेगा। यहां पर अपना काम उस समय से उसने आरंभ किया वो समाप्त नहीं हुआ है, और वो काम करता चला जाता है। उसने यहां पर जितने नियम है, पृथ्वी के नियम या ब्रह्मांड के नियम, वो सब नियमों को बनाए। उन नियमों को हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींचती है, सूरज पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है, और पृथ्वी सोचती है कि जाकर सूरज में ना घुस जाए इसलिए गोल गोल घूमती है, बहुत सारे नियम। और इसके अलावा जितने भी फिजिक्स के नियम, केमिस्ट्री के नियम, बायोलॉजी के नियम, सब पवित्र आत्मा ने बनाए। पवित्र आत्मा ने इन सारे नियमों को ऐसा बना दिया कि अगर वो इनसे परे रहकर भी अपना काम करे तो वो सब चलते रहते हैं। यहां तक कि जब सृष्टि को श्राप के अधीन कर दिया गया तो भी ये नियम बनाए गए थे, इसलिए पृथ्वी चलती रही अपनी जगह पर, वो सूरज के चारों तरफ घूमती रही, दिन और रात होते रहे, मौसम बदलते रहे, ये सब कुछ करने वाला पवित्र आत्मा था। सो पवित्र आत्मा इस धरती, इस पूरे ब्रह्मांड के नियमों को बनाने वाला है, और साइंस जो है वो इन्हीं नियमों की खोज करता है कि कैसे वो नियम है। और नियमों को खोजते, जब नियमों को पाले तो लोग सोचते कि परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन जिसने नियम को बनाया, इन सारे नियमों को बनाया, वो परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है। अगर वो इन नियमों को बना सकता है तो वो इन नियमों से परे भी काम कर सकता है, और वो इन नियमों से बड़ा है, वो इन नियमों से अलग है। कोई जरूरी नहीं कि वो नियम उस पर लागू किए जाए। उदाहरण के लिए मान लिया कि एक कुम्हार है, कुम्हार परमेश्वर से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ में से कुछ बनाता है, और परमेश्वर है जिसने कुछ नहीं में से कुछ बनाया। तो कुम्हार मिट्टी से बनाता है, बर्तन बनाता है, जो बर्तन उसने बनाया वो बर्तन कुम्हार की बराबरी नहीं कर सकता, कुम्हार उससे बड़ा है, कुम्हार उससे बेहतर है, कुम्हार उससे श्रेष्ठ है। उसी रीति से परमेश्वर ने भी जब इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, वो इससे बड़ा है, इससे बेहतर है, इससे कहीं अधिक ऊंचा है, वो सामर्थ्य है। और इसीलिए जब उसने यहाँ के सारे नियमों को बनाए तो इन नियमों से भी परे, वो इससे परे रहकर काम कर सकता है, और इससे परे भी कुछ दूसरे ऐसे चीजों को कर सकता है जिसको हम किसी नियम से व्याख्या नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए जब हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, या उसी प्रकार हनोक और एलिया के विषय में पढ़ते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि वे लोग पृथ्वी से उठा लिए। हनोक के विषय में तो है कि वो चलता फिरता था, वो लोप हो गया, तो किस गति से उठाया गया वहां पर जिक्र नहीं। एलिया के विषय में तो लिखा है कि वो बवंडर में से होकर स्वर्ग पर चढ़ गए, अग्निमय रथ और घोड़ों ने एलिया और एलिशा को अलग किया, बवंडर में से होकर स्वर्ग पर चढ़ गए। यीशु मसीह के विषय में ये दोनों बातें नहीं है, वो अचानक चलता फिरता था लोप हो गया ऐसा भी नहीं है, बवंडर में से भी चढ़ा है, वो चेलों के देखते देखते उनके सामने से धीरे धीरे ऊपर चला गया।
लेकिन अगर हम विज्ञान के नियमों से व्याख्या करना चाहें तो यह व्याख्या करना असंभव, क्योंकि नियम ये बताते हैं कि धरती हमें अपनी तरफ खींचती, तो कोई भी वस्तु जो ऊपर जाती है वो वापस लौटकर चली आती, उसको धरती अपनी तरफ खींच लेती। और अगर हम चाहते कि कोई वस्तु ऊपर चली जाए और दोबारा ना आए तो उसको बहुत रफ्तार से फेंकना होगा, उसको फिजिक्स में कहते हैं स्केप वेलोसिटी। शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद उसकी जो रफ्तार है लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। एक सेकंड में कम से कम 11 किलोमीटर की रफ्तार तय होगी, तभी जाकर रॉकेट जो भेजा जाएगा दोबारा धरती पर नहीं आएगा और पृथ्वी को पार कर जाएगा, वायुमंडल में रह जाएगा, उसके गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। लेकिन जब यीशु मसीह यहां से गए तो 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नहीं गए, चेले उसे देख सकते थे। 11 किलोमीटर एक सेकंड में गए तो चेले अचानक देखते यीशु मसीह था अचानक नहीं था, क्योंकि अगले सेकंड वो 11 किलोमीटर ऊपर होता फिर तो आंखों से ओझल ही हो जाता। लेकिन चेले देख रहे थे कि यीशु मसीह धीरे धीरे जा रहे और एक बादल ने उसे ढक लिया। सो यीशु मसीह ऊपर चले गए और वो भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या से परे। वो कैसे ऊपर चले, उसको तो धरती वापस खींच लेनी चाहिए, क्योंकि उस रफ्तार से वो नहीं जा रहे थे, उसे धीमी रफ्तार से जा रहे थे। आप पत्थर फेंकिए आप देखिए वापस लौट कर आएगा, लेकिन यीशु मसीह चले गए। ऐसा करने वाला कौन है, कौन है जो उसको लेकर चला गया? वचन कहते एक बादल ने उसे ढक लिया। पवित्र आत्मा बाइबल में कई रूपों में दिखाया जाता है, हम लोगों ने पिछले बार कई चिन्हों का जिक्र किया था, उसमें से एक बादल भी। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को यहां से ले गया, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को बनाया, उसके नियम को बनाया, जिसके तहत धरती उसको खींच रही। लेकिन पवित्र आत्मा उस नियम से परे और उस नियम से अलग वो काम कर सकता है, और वही काम उसने यीशु मसीह में दिखाया कि वो उसको यहां से ले गया धीरे। चेले आराम से देख सकते थे, जब लोग उसको देख रहे थे तब ताज्जुब में पड़ रहे थे, क्योंकि उसके पहले तो यीशु मसीह कभी हवा में चले नहीं, पानी में चलते तो लोग कहते कि चलो एक बार पहले भी देखा है, गलीली की झील में चला था, किसी को चंगा करते हुए देखा, मुर्दे से जलाते हुए देखा, दुष्ट आत्मा निकालते हुए देखा, लेकिन हवा में उड़ते हुए तो कभी नहीं देखा। एकाएक उनको यकीन नहीं हुआ होगा कि हवा में है, जो मैं देख रहा हूं वही है कि तुम भी वही देख रहे हो, मुझे चूटी काट कर देखो, मैं सही में वही देख रहा हूं जो तुम देख रहे हो। और उन्होंने देखा कि वो तो हवा में खड़ा है, और फिर कुछ देर में और ऊपर चला गया। पवित्र आत्मा ने असंभव काम को उसके लिए संभव कर दिया। इसी रीति से जितने भी आश्चर्य कर्म हुए, पुराने नियम कहिए या नए नियम में, सब कुछ पवित्र आत्मा ने किया है। और वो इसलिए ऐसा कर सकता है क्योंकि वो इस नियम को बनाया है, उस नियम को जानता है, और वो ये भी जानता है कि किस तरीके से इस नियम से परे काम किया जा सकता है। अगर आप पुराने नियम में देखिए, बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुए, जैसे मूसा और इजरायली जब मिस्र से निकले थे तब उनके सामने लाल समुंदर था, और वहां पर उनको आज्ञा दी गई कि लाठी बढ़ाओ, लाल समुंदर दो भाग में बट गया और वे उसके बीच में से चले गए। लेकिन जब आप विज्ञान के नियम से तुलना करेंगे तो यह असंभव है। वचन कहता है कि पानी उनकी दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा रहा, पानी वहां पर खड़ा नहीं रह सकता, पानी को धरती अपनी तरफ खींचती है। अब पानी को कहीं पर रख दीजिए उसको ढलान मिलेगा नीचे की तरफ आएगा, पानी दीवार की तरफ खड़ी नहीं रह सकती। जो लिक्विड होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उसमें कुछ गाढ़े तरल पदार्थ होते हैं, कुछ कम गाढ़े होते हैं, जैसे कि मधु, जैसे कि पानी, दोनों के गाढ़ेपन में अंतर। अगर आप मधु को एक बूंद रखेंगे तो उसकी बूंद उभरी हुई दिखाई देगी, लेकिन पानी की एक बूंद आप रखेंगे वो फ्लैट हो जाएगी। वो इसलिए अंतर इसलिए है कि दोनों के गाढ़ेपन में अंतर। विज्ञान की भाषा में इसको कहते हैं विस्कोसिटी। तो पानी की विस्कोसिटी ऐसी नहीं है कि वो दीवार की तरह खड़ी रह सके। मधु को हो सकता है ढेर लगा के खड़ा किया जा सके कुछ ऊंचाई तक, लेकिन पानी को नहीं। ना तो उसकी विस्कोसिटी इजाजत देती है कि वो दीवार की तरह खड़ी रहे, ना तो गुरुत्वाकर्षण इजाजत देती है कि वो दीवार की तरह खड़ी रहे। लेकिन जब मूसा ने लाठी बढ़ाया तब पानी दो भाग हो गया और पानी दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा रह गया।
जिसने नियम को बनाया था उसने पानी के लिए नियम बनाया था कि पानी उस हालत में नहीं रह सकता है, लेकिन जिसने नियम को बनाया था वो जानता है कि इसके परे काम कैसे करते हैं। अब बनाने वाला पवित्र आत्मा था, सो उसी ने इस काम को किया। अगर आप यहोशू की पुस्तक में पढ़ें तो आप पाएंगे कि यहोशू और इसराइलियों के बीच में, इसराइलियों के साथ में दूसरे लोगों की लड़ाई हो रही थी और उस दिन वे लोग जीतने वाले थे। अगर लड़ाई लंबी चलती तो वे लोग जीत जाते, अगर लड़ाई छोटी पड़ जाए तो शायद दूसरे दिन भी लड़ना पड़े, क्योंकि लड़ने का नियम यह होता था कि जब तक उजाला है तब तक लड़ सकते, क्योंकि अंधेरे में तो तुम अपने साथी को मार दोगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा, दिखाई नहीं देगा। अब वहां कोई स्टेडियम तो होता नहीं था कि लाइट लगा दिए सब लड़ो, तो दिन ही दिन को लड़ लो। अब यहोशू और उसके साथियों को चाहिए था कि हम लोग आज ही लड़ ले ताकि जीत ले। तो जब वे लड़ने को निकले तब शाम होने लगी, अंधेरा गिरने लगा, तब यहोशू ने क्या किया, यहोशू ने जो कुछ किया वो विज्ञान से हम लोग उसको व्याख्या करके नहीं बता सकते। यहोशू ने आकाश में आज्ञा दी, सूरज को चांद को थम जा, क्योंकि यहोशू को वही समझ में आया, क्योंकि उसको लगता था, क्योंकि पुराने समय के लोग थे नहीं जानते थे कि धरती घूमती, सोचते थे सूरज घूमता है, तो सूरज घूम रहा है, सूरज को रोक दिया जाए तो दिन लंबा हो जाएगा। तो उसने अपने समझ के मुताबिक उसने आज्ञा दी कि सूरज अपनी जगह थम जाए, चांद अपनी जगह थम जाए, और वचन कहता है कि वैसा ही हो गया। और वे लोग अपनी लड़ाई पूरी किए, तब जाकर सूरज डूबा, चांद निकला। दरअसल उस समय हुआ क्या, अभी हम विज्ञान से उसको समझते हैं, तो यह है कि तब धरती ने घूमना बंद कर दी, क्योंकि अगर धरती घूम रही है तब दिन रात हो रहा है, लेकिन उसने कहा सूरज थम जाए, सूरज के थमने से कुछ नहीं होगा, धरती को घूमना बंद करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर जानता था, पवित्र आत्मा जानता था कि वो चाहता क्या है, इसलिए जो कुछ भी उसने किया कहा तो उसकी मनसा यह थी कि दिन लंबा चाहिए, तो धरती घूमना बंद हो जाए। लेकिन धरती घूमना बंद हो जाए दूसरी समस्या आ जाएगी, सारी चीजें अपनी रफ्तार से घूम रही है, धरती में बहुत सारा पानी है, समंदर है, सब कुछ घूम रहा है रफ्तार से, और इसीलिए वो अपनी जगह से नहीं चलता। अचानक वो घूमना बंद कर जाए तो क्या होगा, समंदर का पानी बाहर आ जाए, सुनामी आ जाए। हम लोग धरती के साथ घूम रहे हैं इसीलिए हम लोग स्थिर, अगर एकाएक धरती बंद हो जाए, घूमना बंद कर दे तो हम लोग गिर पड़े। जैसे हम लोग बस में जाते हैं, जब तक बस चल रही है हम बड़े आराम से, बस को अचानक ब्रेक लगे तो सीधे हम लोग सीधे आगे हो जाते। उसी प्रकार जो पानी था, जितने लोग थे, बाकी सब कुछ, अचानक धरती घूमना बंद हो जाए तो क्या होगा, सब लोग गिर जाएंगे, पानी आगे निकल जाएगा, बहुत कुछ। लेकिन परमेश्वर जानता था कि यहोशू की मनसा क्या है, वो क्या चाहता है। और फिर ऐसा आश्चर्य कर्म हुआ जो विज्ञान से हम लोग उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए कि पवित्र आत्मा ने इन सारी चीजों को बनाया, वो जानता है इसको हैंडल कैसे किया जा सकता है, उसने हैंडल किया। और उसी प्रकार पुराने नियम के सारे आश्चर्य कर्म हम देखेंगे, यहां तक कि नए नियम के सारे आश्चर्य कर्म हम लोग इस बात को पाते हैं, बाइबल बताती है कि वो सारे आश्चर्य कर्म पवित्र आत्मा के द्वारा किए गए। वो आश्चर्य कर्म करता था, उसने कुछ नहीं में से कुछ बनाया, वो भी अपने आप में आश्चर्य कर्म है। वैज्ञानिक भी इस बात में सहमत है कि पहले कुछ नहीं था, लेकिन कुछ नहीं में से कुछ आ गया तो कैसे, इसके बारे में नहीं बता पाते। लोग कहते तो है कि पहले कुछ नहीं था, विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, लेकिन कुछ नहीं में से कुछ बन जाना उनके लिए चुनौती, इसकी व्याख्या कैसे करें, कोई व्याख्या नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा जो कुछ नहीं में से कुछ लेकर आया, इसलिए पवित्र आत्मा है जिसने कुछ जब लेकर आया, जिन नियमों के अधीन उसको बनाया, उसके परे वो काम कर सकता है। उसने पहले भी किया है, वो अब भी करता है, आगे भी करता रहेगा। इसके अलावा जब हम देखेंगे पुराने नियम में उसने लोगों के साथ क्या किया, उसने कई बार लोगों को उभारा कुछ विशेष काम करने के लिए। कुछ काम जब पवित्र आत्मा को कराना होता है, या कराना होता था उस समय भी अभी भी, तो वो ऐसा नहीं है कि किसी को कान पकड़ कर ले जा आप जबरदस्ती उसको करा दे, पवित्र आत्मा वैसा काम कभी नहीं करता। उसके विषय में कहा जाता है कि ही इज परफेक्ट जेंटलमैन, वो जेंटलमैन की तरह काम करता है, वो किसी पर दबाव देकर काम नहीं कर पाता।
जैसे दुष्ट आत्मा होती है वो दबाव देकर काम करवाती है, वो जब किसी के अंदर घुस जाती है वो आदमी चाहता है नहीं चाहता है उसकी परवाह नहीं करती, उसको जो कराना है तो कराती है। पवित्र आत्मा वैसा काम नहीं करता। पवित्र आत्मा जब किसी को काम कराना होता है उसको उभारता है, उसको अंदर से उभारता है कि तुम ये काम कर, उसको प्रेरित करता है, उसको उभारता है, तब जाकर वो व्यक्ति वो काम करता है। कभी किसी को दबाव से काम नहीं करवाता। यदि किसी ने पवित्र आत्मा की सहायता से काम किया इसका मतलब है कि जरूर पवित्र आत्मा उसको उभारा, उस व्यक्ति ने सहमति दी और तब दोनों मिलकर काम किए। तो पुराने नियम में उसने लोगों को उभारी से शिमशोन को उभारा। हम लोग बहुत सारे लोगों का जिक्र करेंगे, हम लोग अभी लोगों के पास में जाएंगे जिनके साथ पवित्र आत्मा ने काम किया। उसी रीति से जब हम पुराने नियम में देखें तो हम पाएंगे कि पवित्र आत्मा ने लोगों को निर्देश दिया। जैसे उसने मूसा को निर्देश दिया, उसने शमूएल को निर्देश दिया, उसने निर्देश दिया कि जाओ तुम शाऊल का अभिषेक करो, जाओ तुम दाऊद का अभिषेक करो, तो उसने निर्देश दिया। उसी रीति से उसने उनकी अगुवाई भी की। हम लोग पाते पुराने नियम में इसराइली जब मिस्र से आ रहे थे तब बादल का खंभा, आग का खंभा उनके आगे चलता था। पवित्र आत्मा उस रूप में उनकी अगुवाई करता था, पवित्र आत्मा उनको जंगल में ले चला, उनकी अगुवाई किया, और भी कई रूप में उसने लोगों की अगुवाई की। उसी प्रकार पवित्र आत्मा ने कुछ खास लोगों को चुना जिसमें जिन लोगों में उसने अपनी अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत वरदानों को प्रकट किया जिसके द्वारा वे कुछ ऐसे चीजों को कर सकते थे जो सामान्य लोग नहीं कर सकते। सामान्य लोग नहीं कर सकते। हम लोग ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते जैसे एलिया। एलिया भयानक भविष्यवक्ता था और एलिया के साथ में क्या हुआ, एक घटना ऐसी घटी, एलिया ने जाकर अहाब से कह दिया कि जब तक मैं ना कहूंगा पानी नहीं बरसेगा, चाहे जो भी करना है कर। अहाब को चैलेंज दे दिया गया क्योंकि अहाब एक बुरा नबी, बुरा राजा था और उसके राज्य में जो प्रजा थी वो यहोवा की उपासना करना छोड़कर बाल देवता की उपासना करने लगी, और अहाब की पत्नी जो थी इजेबेल वो खुद बाल देवता की पुजारिन थी, उपासक थी, और उसने बाल देवता के 400 नबियों को भी संरक्षित करके रखा था, वे लोग राजसी पद पाए हुए थे। और उस राज्य में इज़राइल का क्या होता अगर सारे लोग यहोवा को जोड़कर बाल देवता की उपासना कर लेते, तो बहुत बुरी परिस्थिति थी। तब उस परिस्थिति में एलिया अहाब के पास जाकर कहने लगा जब तक मैं ना कहूं पानी नहीं बरसे। क्यों उसने ऐसा कहा? इसलिए क्योंकि जो अहाब था वो मौसम का देवता माना जाता था, मतलब बाल जो था वो मौसम का देवता माना जाता, मानो बाल देवता की वजह से ही मौसम बदलते, कभी जाड़ा होता है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होता है, और उसके नबी जो है बाल देवता की उपासना करके सारा मौसम ठीक ठाक रख सकते हैं, ऐसी मान्यता थी। लेकिन एलिया अकेला निकला, उसने चैलेंज किया कि मैं जब तक ना कहूं तब तक पानी नहीं बरसेगा, जो चाहो तो कर लो, तुम बाल देवता की उपासना कर लो, उसको खुश करो, बलि चढ़ाओ, जो करना करो, पानी बरसने वाला नहीं, तुम्हारे बाल देवता से ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं। और उन्होंने कोशिश की लेकिन पानी नहीं बरसा 3.5 साल तक, एलिया जाकर छुप गया। आखिरकार एलिया को ढूंढा गया और उससे कहा गया कि नहीं नहीं तुम प्रार्थना करो पानी बरसे। एलिया पहाड़ में चढ़कर प्रार्थना करने लगा और जब प्रार्थना करने लगा तो उसको एक छोटा बादल दिखाई पड़ा। उसने अहाब से कहा कि जाओ घर जाओ क्योंकि भींग जाओगे, क्योंकि भारी वर्षा होने वाली मुझे सुनाई पड़ती। तब कहते हैं कि अहाब अपना रथ जुतवा कर गया, वो उस पहाड़ के पास से अपना रथ जुतवा कर राजमार्ग चलाए और एलिया पहाड़ से उतरा और वहां वचन कहता है कि यहोवा का हाथ एलिया पर आया। दूसरा अनुवाद कहता है यहोवा की शक्ति एलिया पर आई, लेकिन यहोवा की शक्ति हो चाहे यहोवा का हाथ हो वो बिना पवित्र आत्मा के नहीं था। यहोवा का हाथ मतलब आप ये मत सोचिए कभी पांव आता है कभी हाथ आता है, पृथ्वी पांवों की चौकी कभी हाथ आता है, मतलब उसका आत्मा एलिया पर ऐसा आया कि वो अहाब के रथ के आगे आगे दौड़ता चला गया इज़राइल तक। अब सोचिए ये कितना बड़ा आश्चर्य, घोड़े कितनी तेजी से दौड़ सकते। मैं इस बात को ढूंढ रहा था क्योंकि अहाब के रथ में जो घोड़े लगे हुए थे वो पूरे इज़राइल देश के सबसे शक्तिशाली घोड़े रहे होंगे,
बाकी जितनों के पास में घोड़े रहेंगे उनमें से श्रेष्ठ घोड़े आपके पास होंगे। जरूर वे घोड़े अरबी होंगे, अरब से लाए गए होंगे, शक्तिशाली घोड़े, वे तेज रफ्तार दौड़ सकते हैं। घोड़ों की रफ्तार क्या है? अगर शक्तिशाली घोड़े तेज दौड़े तो मैंने ढूंढ कर देखा वे 88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। और एक आदमी कितनी रफ्तार से दौड़ सकता है? कहते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को क्रॉस नहीं कर सकता है, उससे ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता। उसके शरीर की बनावट वैसी नहीं, हमारे शरीर वैसे बने नहीं है उससे ज्यादा तेज हम दौड़ सकते। घोड़ों का शरीर ऐसा बना है कि वो ज्यादा तेजी से दौड़ सकते हैं। सो अगर वो घोड़े चलो 88 नहीं भी तो 80 किलोमीटर या 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहे थे और एलिया उनके आगे आगे दौड़ कर चला गया, तब तो ये आश्चर्य कर्म है, क्योंकि वो अपने लिमिट को क्रॉस कर गए। मनुष्य के लिए जो लिमिट है उसको क्रॉस कर गए। आहाब के लिए चलो समझ में आता है कि 3 साल से 3.5 साल से पानी नहीं बरसा, घोड़ों को भी ढंग से खाने को नहीं मिला तो थोड़े कमजोर हो गए होंगे, फिर भी राजमहल में खाने के लिए है, फिर भी वे आदमी से ज्यादा रफ्तार से दौड़ सकते हैं। लेकिन एलिया उनके आगे दौड़ा और वो भीगने से बच गया। परमेश्वर का आत्मा एलिया के जीवन में काम किया, उसने ऐसी योग्यता उसको प्रदान की जो साधारण लोग नहीं कर सकते, साधारण लोगों से वो होगा नहीं। सो परमेश्वर ने पुराने नियम में इसी रीति से काम किया। कई बार हम उसको काम करते हुए देखेंगे और कई बार तो कुछ अजीब घटनाएं घटी। जब मैंने पुराने नियम को पढ़ा तो वहां पर लिखा तभी यहोवा का आत्मा शिमशोन पर बल से उतरा और उसने जाकर 1000 पलिश्तियों को मार डाला। मैंने सोचा कि परमेश्वर का आत्मा उस पर आया और वो आदमी को मार दिया, वो भी एक नहीं 1000, उसका आत्मा किस लिए आया? तो मुझे ताज्जुब हुआ, ऐसा भी होता है, उसका आत्मा तो आदमी को बचाना चाहिए। लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने अपने भेद को इस रीति से प्रकट किया कि परमेश्वर जब काम करता था पुराने नियम में, जब तक यीशु मसीह नहीं आया था, तो उसके काम करने की जो दिशा थी वो निर्धारित थी, वो एक लक्ष्य की तरफ जा रहा था, क्योंकि पृथ्वी और उसमें रहने वाले लोग विद्रोह कर चुके थे, उसके खिलाफ में हो चुके थे और वो चाहता था कि सारे संसार के लोग आशीष पाए, वापस उसके शरण में आए। लेकिन सारे लोग उसके पास नहीं आ सकते थे क्योंकि लोगों के जीवन में पाप था, और इसीलिए उसने ये उपाय किया कि यीशु मसीह को भेजे जिसमें वह लोगों के पापों को क्षमा करे और उनको ग्रहण करे और लोग परमेश्वर के निकट आ सकते। और अगर उसके पहले अगर वो किसी पर अपने आप को प्रकट करता है तो उनके पापों का दंड उनको देता चला जाएगा। इसलिए सारे लोगों पर वो अपने आप को प्रकट नहीं किया, ऐसा ना हो कि सारे लोग वो प्रकट करे और सारे लोग उसके कोप भाजन बन जाए, क्योंकि लोग तो पाप करेंगे ही और फिर उनको दंड देगा ही। तो उसने उसमें से एक जाति को चुना, एक व्यक्ति को पहले चुना अब्राहम, और अब्राहम को जब चुना तो उसके वंशों को चुना, इसराइलियों को चुना, उनको अपने नियम विधियां व्यवस्था दी ताकि यीशु मसीह के आने तक वो सब काम करें, और जब जब वे पाप करते थे उनको दंड भी देता। तो अगर किसी दूसरी जाति पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट नहीं किया तो वे लोग सौभाग्यशाली मरने से बच गए, और इसराइलियों पर प्रकट किया तो वह भी सौभाग्यशाली है, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। लेकिन दोनों का उद्देश्य अच्छा था। सो जब वो जाति वहां पर चुनी गई थी और उसी जाति में से संसार का उद्धार करता आने वाला था, तो उस जाति को उन लोगों को सुरक्षित रहना जरूरी था, उन लोगों को पाप और बुराई से सुरक्षित रहना जरूरी था ताकि उद्धार करता उसमें से आ सके। कई बार उन लोगों को दूसरे देवी देवताओं की उपासना करने से रोक दिया गया इसलिए कि उसमें से उद्धार करता आने वाला था। जैसे एलिया के समय में बाल देवता की उपासना इतनी ज्यादा बढ़ गई, सोचिए अगर सारे इजरायली बाल देवता की उपासना करना शुरू कर देते राजा से लेकर नीचे तक, तो फिर उद्धार करता किधर से आता, क्योंकि वो तो बाल देवता की उपासक नहीं हो सकता, तो उनको बचाया जाना जरूरी था। कई बार जब इजरायलियों पर लोगों ने चढ़ाई की, हमला किया, तो उसने उनको लड़ने की आज्ञा दी अपनी सुरक्षा में, अपने डिफेंस में, कि तुम अपने आप को बचा कर रखो, मैं उसमें सहायता करूं, क्योंकि तुम अपने आप को बचा कर नहीं रखोगे तो उद्धारकर्ता को भेजने की जो योजना मेरी है तुम्हारे द्वारा वो कैसे पूरी होगी। इसलिए उनको सुरक्षा में लड़ना था। कई बार उसने इसराइल के लोगों को दूसरों पर हमला करने की भी आज्ञा दी, लेकिन जब भी हमला करते थे आक्रमण करना भी सुरक्षा की दृष्टि से ही था, अटैक भी डिफेंस के लिए करते थे। अजीब है ना, वो इसलिए
क्योंकि वो लोग इनको प्रभावित करना शुरू कर देते थे, अपने रीति रिवाजों को प्रभावित करना शुरू कर देते थे। कई बार हम लोग पुराने नियम में पढ़ेंगे, व्यस्त में पढ़ेंगे, उसको उनको उसने मना किया कि तुम उन जाति के लोगों के साथ वाचा नहीं बांधना, उनके साथ शादी ब्याह में नहीं जाओगे, अपनी बेटियां नहीं दोगे, वहां से बहुएं नहीं लाओगे। उसका कारण क्या था? क्योंकि वे उनके साथ मिक्स्ड हो जाएंगे तो जो परमेश्वर जिस शुद्ध रूप में उद्धारकर्ता को लाने वाला है उसमें प्रॉब्लम हो जाए। और इसीलिए उसने उनके साथ इस रीति से बर्ताव किया। और जब पवित्र आत्मा ने वहां काम किया तो उसने इस मकसद को पूरा किया। अगर वहां भविष्यवक्ता आकर बोलते थे और लोगों को चिताते थे कि फिर जाओ, उनको कहते थे कि लौट आओ, मन फिराओ, अपने आप को सुधारो, तो उसका यही उद्देश्य था, क्योंकि उद्धारकर्ता उस दल में से आने वाला था। और अगर वे अपने आप को ठीक नहीं रखेंगे तो उस योजना में प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए भविष्यवक्ता आकर बोलते थे, चेतावनी देते थे, समझाते थे। जो भी आश्चर्य कर्म वो इसी के लिए हुए, क्योंकि जब वे मिस्र से निकल कर आ रहे थे उस दल से उद्धारकर्ता आने वाला था। अगर फिरौन आकर उन सबको मार लेगा तो उद्धारकर्ता आएगा किस दल से? फिर परमेश्वर को शुरू से योजना शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए वहां आश्चर्य कर्म जरूरी था, इसलिए उनको लाल समुद्र में से गुजरना जरूरी था, और इसलिए वे बच गए। वहां मन्ना गिराया जाना जरूरी था, क्योंकि जिस रास्ते से वे जा रहे थे वो पूरा मरुस्थल था, वहां खाने पीने की वस्तुएं नहीं थी, वहां कोई दुकान नहीं थी, वहां खेती नहीं की जा सकती, तो मन्ना गिराया जाना जरूरी था। तो उनकी पूरे सुरक्षा के लिए, ताकि वे उद्धारकर्ता के आने तक जीवित रहे, उनको जीवित रखा गया। यहां तक कि उनका जब देश दो भाग में बट गया, इज़राइल और यहूदा के रूप में, इज़राइल जब गुलामी में चला गया, यहूदा जब गुलामी में चला गया, तो परमेश्वर ने कहा कि उसमें से बचे हुए लोग लौट आएंगे, क्योंकि अगर वे लौट कर नहीं आएंगे तो उद्धारकर्ता आएगा कहां से? उनको लौट कर आने की भविष्यवाणी की गई। कौन सा राजा होगा जो उनके लौट के आने के समय में राज्य करेगा, आज्ञा देगा, वो भी बताया गया। उसके लिए अगुओं को नियुक्त किया गया कि वे लौट आकर ले आए। जब वे वापस लौट कर चले आए, उनके लिए भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया गया ताकि वे मंदिर बनाए। मसीह के आने तक वे सुरक्षित रहे, इसका पूरा उपाय किया गया। पवित्र आत्मा इन सारे कामों को कर रहा था। और उसी रीति से जब हम देखते हैं पवित्र शास्त्र को, एक और पद हम निकालेंगे, दूसरा तिमुथियुस और उसका तीसरा अध्याय और उसके पद 16। वहां इस बात को बताया गया है कि पवित्र आत्मा इनके अलावा एक और काम पुराने नियम से कर रहा था, और वो ये है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। हर एक पवित्र शास्त्र या संपूर्ण पवित्र शास्त्र, क्योंकि पवित्र शास्त्र बहुत सारी पुस्तकें, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे, मलाकी की पुस्तक, ये सारी पुस्तकें परमेश्वर की या पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रची गई। उसके आने के बाद में मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया। सो पुराने समय में भी जब लोग लिख रहे थे, यहां तक कि जब मूसा लिख रहा था शुरू की 5 पुस्तकें, जब यहोशू लिख रहा था, जब शमूएल लिख रहा था, जब बहुत सारे भविष्यवक्ता लिख रहे थे, वो सारे लिखावट पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी। उसने किस रीति से उनको प्रेरणा दी, कैसे लिखवाया, हम लोग नहीं जानते, क्योंकि उसने हम में से किसी को पवित्र शास्त्र लिखने में प्रेरित नहीं किया, इसलिए हम उसको जानते नहीं। विद्वान वो भी नहीं बता पाते। बस हम इतना जानते हैं कि उसका उसका जो प्रेरित करने का कार्य था वो ऐसा नहीं था कि मानो डिक्टेट कर रहा हूं, मानो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, सुनो और लिखते जाओ, वैसा नहीं था। वो उनको प्रेरित करता था, वे लिखते थे। और इसलिए जब कभी उन्होंने लिखा, कई बार जैसे पौलुस ने लिखा, तो वह कहते मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं, अगर पवित्र आत्मा डिक्टेट कर रहा था तो वो कह देगा परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर कहता है। लेकिन उसने मनुष्य को भी इजाजत दी कि वो अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सके। तो प्रेरणा जो भी थी हम उसको ढंग से नहीं समझते, लेकिन उसने पवित्र शास्त्र को लिखने के लिए लोगों को प्रेरित किया। वो पवित्र शास्त्र लिखा गया आरंभ से, और हमारे लिए खुशी की बात है वो हमारे पास में है, हम उसको पढ़कर जान सकते हैं परमेश्वर ने किस रीति से काम किया और हमारे लिए क्या संभावनाएं हैं और हम क्या कर सकते हैं। हम उसको पढ़ते हैं, वहीं से तो पढ़कर हम इन सारी बातों को जान रहे हैं, वहीं से तो पढ़कर हम व्याख्या कर रहे हैं।
सो पवित्र आत्मा ने इन सारे कामों को किया। अब हम लोग इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, लोगों के जीवन में जब वो काम कर रहा था तो उसने कैसे काम किया। हम लोग जानते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में जब आदम बनाया गया, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसके पद 7, जब यहां लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, भूमि की मिट्टी से उसने उसे बनाया। इसलिए हमारे शरीर में जितने तत्व हैं उसमें से 96 तत्व पाए जाते हैं। भूमि की मिट्टी से रचा और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, परमेश्वर ने उसमें श्वास फूंक दिया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर भी सांस लेता है? क्या परमेश्वर को जीवित रहने के लिए सांस लेने की जरूरत है? नहीं। तो उसने उसमें क्या फूंका? अगर वो सांस लेता नहीं तो सांस कैसे छोड़े? उसने उसमें आदम की आत्मा को फूंक दिया जो उसने अपने भीतर रचा। वो परमेश्वर का ही एक अंश था जो उसमें डाल दिया गया। और बाद में जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, तब यहोवा उनको छोड़कर चला गया। लेकिन पाप और बुराई इस धरती पर बढ़ गई और इस प्रकार से वह 6वें अध्याय को जब आप देखते हैं उत्पत्ति, तो वहां पर उसने उनके पाप और बुराई को देखकर दंड देने का निश्चय किया। उसने कहा कि मैं मनुष्य को मिटा दूंगा और जितने लोग हैं जीव जंतु हैं उनको मिटा दूंगा, सिर्फ उनमें से कुछ को बचा लूंगा जो आने वाले पृथ्वी पर होंगे। और 3रे पद में लिखा, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अर्थात 120 वर्ष होने के बाद मैं जल प्रलय पृथ्वी पर भेजने वाला हूं, ये लोग नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरा आत्मा इनसे विवाद करता ना रहेगा। जो पद यहां पर लिखा गया है मनुष्य से, आदम आत्मा मनुष्य से, अब किस मनुष्य से? क्योंकि एक ही मनुष्य का जिक्र है, मनुष्यों ने लिखा है। इसलिए कुछ विद्वानों का कहना है कि उस मनुष्य का अर्थ है आदम, क्योंकि जो इब्रानी शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया वो आदम ही है। आदम के लिए भी इब्रानी शब्द आदम है, मनुष्य के लिए भी इब्रानी शब्द आदम है। तो मेरा आत्मा आदम से सदा विवाद करता नहीं रहेगा कि तूने क्या किया आदम, देखो क्या हालत हो गई, देखो धरती कितने पाप से भर गई, मैं इसे नष्ट करने पर हूं। क्योंकि अगर वो आदम को विवश भी करे, उसको कन्विक्ट भी करे, उसे विवाद भी करे, पापों के लिए दोषी भी ठहराए, तो आदम सुधार नहीं सकता है, उसको विवाद करना मूर्खता है। इसलिए उसने क्या किया, मेरा आत्मा उसे विवाद करता नहीं रहेगा, या फिर हम कहें मनुष्य से विवाद नहीं करेगा, तो उसने उससे दूर कर लिया। तुम लोगों को जो करना है तुम करो, मरो। और फिर उसने जल प्रलय भेजा, उनको नष्ट कर लिया। उसका आत्मा सृष्टि के आरंभ में उसने सारी सृष्टि को रचा, आदम को रचा, फिर जब पाप करने लगे वे लोग, उसने उनको विवाद करना शुरू किया, उनको दोषी ठहराना शुरू किया कि तुमने क्या किया है, तुमने गलत किया है, लेकिन मैं सुधार नहीं सके, क्योंकि उस समय कोई उपाय नहीं था, उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं थी, योग्यता नहीं थी। उसने उनको दंड देने का निश्चय किया। हम लोग उसके आगे देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में ही, तो हम लोग पाएंगे कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना था जिसका नाम था यूसुफ। अगर हम उसके विषय में पढ़ें तो हम लोग ये पाएंगे कि बचपन से ही परमेश्वर उसके साथ में था, यहां तक कि उसे स्वप्न देखने का वरदान मिला था। स्वप्न तो सारे देखते हैं, लेकिन ऐसा स्वप्न जिसमें भविष्य पता चल जाए। उसने खुद अपने विषय में भविष्य देख लिया था 2 स्वप्न देखकर। और उसके अलावा उसको यह भी वरदान दिया गया था कि वह स्वप्न का अर्थ भी बता सकता है। जो स्वप्न परमेश्वर की ओर से दिए गए थे उन स्वप्नों का अर्थ भी बता सकता है। और ये जो वरदान थे, ये जो योग्यता थी, ये साधारण मनुष्य की योग्यता नहीं, ये कोई मनुष्य अपने आप से योग्य हो जाए और भविष्य का सपना भी देखने लगे, वो परमेश्वर की ओर से होता है। और उसका अर्थ बता दे, ये परमेश्वर की ओर से होता है। और अगर परमेश्वर की ओर से होता है तो उसके आत्मा की ओर से होता है, क्योंकि यूसुफ ने ऐसे ही किया और वो एक बुद्धिमान पुरुष हो गया। यूसुफ
के विषय में लिखा है कि यहोवा उसके साथ में था और जो कुछ वो इस पृथ्वी पर करता था उसमें यहोवा उसको सफल कर देता था, जबकि उसके अपने भाइयों ने उसको बेच दिया था। वो मिस्र में चला गया था, दो बार वो बेचा गया था। पहली बार अपने भाइयों ने उसको बेचा इस्माइलियों के हाथों, इस्माइलियों ने उसको बेचा पोतीपर के हाथों, पोतीपर के घर में और नौकर का काम करने लगा। कनान से मिस्र में आ गया, पता नहीं वहां की भाषा जानता था कि नहीं, लेकिन काम तो सब जगह एक ही जैसे होते, तो काम तो करवाया ही जा सकता था। उसको काम करवाया गया। ऐसी हालत में जब वो 17 साल की उम्र का था, तब घर से निकला था, उसके अपने कोई संगी साथी नहीं थे, तब वचन कहते कि यहोवा उसके साथ था, अर्थात पवित्र आत्मा उसके साथ था। परमेश्वर किसी और दूसरे रूप में उसके साथ उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा उसके साथ में था और उसने हमेशा उसका साथ दिया। मैं सोचता हूं कि जब कभी उस पर अत्याचार किया जाता होगा, दूसरे उसको सताते होंगे, उस पर हंसते होंगे, ऐसी परिस्थिति में वो क्या करता होगा। बाकी लोग तो हो सकता है मिस्र के रहे हों, क्योंकि जितने दूसरे सेवक लोग पोतीपर के घर में होंगे, हो सकता है मिस्र के होंगे। अब इसको तो दूसरी जगह से खरीद कर लाया गया, अब खरीद कर लाया गया तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर अपना दुखड़ा रो नहीं सकता है कि मुझे अकेला फील हो रहा। तब ऐसी परिस्थिति में उसे बात करने के लिए केवल और केवल एक ही व्यक्ति था, स्वयं परमेश्वर। और जब परमेश्वर ने उसको साथ दिया, उसके आत्मा ने उसको साथ दिया और उसको इस रीति से साथ दिया कि जो कुछ उसने किया उस काम में यूसुफ सफल होता था। बाकी लोग जो भी करें अपनी योग्यता के मुताबिक, वे उसमें सफल हो चाहे ना हो, लेकिन यूसुफ जब कोई काम करता था, पवित्र आत्मा उसके साथ में था और वो उसके काम को सफल कर देता था। यूसुफ की उन्नति होती चली गई, शैतान की दृष्टि उस पर थी, हम लोग जानते हैं, लेकिन यूसुफ आगे चलकर जेल में भेज दिया गया, जेल में भी उन्नति करने लगा, जेल में भी उसने स्वप्न का अर्थ बताना शुरू किया, उसको स्वप्न के अर्थ पूरे हो गए, तब वहां से निकालकर राजमहल में ले जाया गया और उसने वहां फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताया, फिरौन को भी स्वप्न आया। फिरौन जबकि अन्य जाति थे, उसको स्वप्न आया और यूसुफ ने उसका अर्थ बताया। जो अर्थ बताया वो ये था कि आने वाले 7 सालों में यहाँ भयानक आशीष होगी, बहुत ज्यादा उपज होगी, उसको सुरक्षित कर लो, और उसके बाद के 7 सालों में भयानक अकाल पड़ेगा, लोग मरने लगेंगे, उनके पास खाने पीने की घटी हो जाएगी, तब उस समय पहले के उपज में से बांट दिया जाए। उसने बताया कि पहले सुकाल के 7 वर्ष होंगे, फिर अकाल के 7 वर्ष होंगे, और उसने सुझाव भी दिया कि क्या करना चाहिए, उसने बुद्धिमानी से उसको उपाय भी बताया। अब फिरौन ने जब इस बात को सुना, तो फिरौन ने इस बात को सटीक रूप में देखा कि उसके भीतर परमेश्वर की आत्मा है, और 41वां अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 37 और 38 वहां लिखता है, यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूं। परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य समझदार और बुद्धिमान कोई नहीं। ये समझदारी, ये बुद्धिमानी, ये ज्ञान उसको पवित्र आत्मा के द्वारा मिला था। उसने देखा यूसुफ में परमेश्वर की आत्मा रहती। फिरौन को इस बात का प्रकाशन कहां से मिल सकता है हम लोग नहीं जानते, लेकिन उसने सही जाना था कि सचमुच यूसुफ में परमेश्वर की आत्मा रहती है, और जो परमेश्वर का आत्मा था वही यूसुफ को साथ दे रहा था, वही उसको सफल कर रहा था, वही उसको ज्ञानवान कर रहा था, वही उसको समझदार और बुद्धिमान भी बना रहा था। कई बार हम लोग प्रार्थना करते कहते कि हम लोगों को बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। दरअसल बुद्धि और ज्ञान पवित्र आत्मा की सहभागिता से हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। हमें दरअसल पवित्र आत्मा की सहभागिता चाहिए, जैसे यूसुफ के साथ में थी, और यूसुफ सफल होता चला गया। यह पवित्र आत्मा ही था जिसने यूसुफ को एक दास की अवस्था से निकालकर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा दिया। उसने पुराने समय में अद्भुत काम किए। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि हम जाने हमारे सामने कौन कौन सी संभावनाएं पड़ी।
हम लोग जीवन को जीते रहते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं, उससे प्रभावित होते रहते हैं, हम लोग उतना ही सोच पाते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा, आत्मा की प्रेरणा से रचा गया, और रचा गया तो इसलिए रचा गया ताकि हम उसको पढ़कर देखें कि पहले उसने क्या किया है, और अगर उसने किया है तो मतलब वो कर सकता है आज भी। यूसुफ को जब उठाकर उस पोजीशन में रख सकता है तो वो किसी को भी रख सकता है। जहां पर यूसुफ की हैसियत कुछ भी नहीं थी, जहां पर यूसुफ की पैरवी कुछ भी नहीं थी, जहां यूसुफ को जानने वाले कुछ भी नहीं थे, जहां सारी जाति यूसुफ के जाति में से अलग थी, दूसरी जाति की थे, वहां उनके ऊपर परमेश्वर उसको नियुक्त कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। उसी रीति से हम लोग आगे इसराइलियों के वंश में से देखेंगे मूसा के विषय। जब हम मूसा के विषय देखते हैं तो हम लोगों को यह पता चलता है कि परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया सिनाई के पहाड़ पर, होरेब के पहाड़ पर उससे बातचीत की, तब उसने उसको नियुक्त किया और उसने कहा कि तुम जाकर इसराइलियों को छुड़ाओगे और उनको निकाल कर उस देश में ले जाओगे जहां दूध और मधु की धारा बहती, और उसके लिए मैं तुम्हें यह चिन्ह देता। हम लोगों को यह स्पष्ट वर्णन कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है कि कब परमेश्वर का आत्मा मूसा के जीवन में आया, लेकिन हम लोगों को यह लिखा हुआ जरूर मिलेगा कि मूसा के जीवन में परमेश्वर का आत्मा था। हम लोगों को यह भी लिखा हुआ मिलेगा कि मूसा परमेश्वर से आमने सामने बातें करता था। हम लोगों को यह लिखा हुआ मिलेगा तब यहोवा ने मूसा से कहा। लेकिन जो भी स्थिति थी उसमें यह बात स्पष्ट है कि परमेश्वर का आत्मा मूसा के साथ में था और मूसा के जीवन में था, और जिसके कारण मूसा उतने सारे इसराइलियों का बोझ उठा सकता था, जिनके कारण मूसा उन इसराइलियों से प्रभावित हुए बिना उनकी अगुवाई कर सकता था, क्योंकि वहां तो इतने सारे लोग थे, तरह तरह की बातें मूसा के विरुद्ध में बोलते थे, कहते थे कि हम लोगों को प्याज नहीं मिल रहा, लहसुन नहीं मिल रहा, हम लोगों को खीरे खरबूजे याद आ रहे हैं, मांस नहीं मिल रहा, मिस्र की कब्रें याद आ रही, यहां तो कब्रें भी नहीं। और उस परिस्थिति में जितने कुड़कुड़ाने वाले लोगों के बीच मूसा अकेला स्थिर रहता था, वो कैसे स्थिर रह सका, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ में था। अगर हम पूरे डिटेल को पढ़ेंगे तो जब मूसा का ससुर यित्रो मूसा के पास आया था, उसने उसको सलाह दी थी कि हर 10-10 लोगों के ऊपर एक प्रधान, फिर 50-50 के ऊपर एक, फिर 100-100 के ऊपर एक, 1000-1000 के ऊपर एक, और तब तुम सबके ऊपर रहना, जो भी मुकदमा हो वो सीढ़ी दर सीढ़ी करके तुम तक लास्ट में पहुंचे, वे उनको निपटाए, जब न निपटा पाए तब तेरे पास आए। तो लीडर वहां बहुत सारे थे, उसके अलावा वहां 70 अगुवे भी थे और हर एक गोत्रों के एक एक प्रधान भी थे, और वे सब इसराइल की अगुवाई करते थे और अगुवाई करते थे। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि सारी इसराइल अविश्वासी हो जाती थी, मतलब बाकी लीडर भीड़ के प्रभाव में आ जाते थे। जब 12 जासूस कनान का भेद लेने के लिए गए थे, उसमें से 10 लोगों ने आकर कहा कि देश तो अच्छा है लेकिन हम लोग वहां जाते जाते मर जाए, वहां के लोग बहुत शक्तिशाली है, नगर गढ़वाले हैं, सरपना वाली है, हम लोग नहीं जा सकते, असंभव। 2 लोग यहोशू और कालेब ने कहा कि हम लोग जा सकते हैं, 2 लोगों का कहना काम नहीं आया, 10 लोगों ने पूरी भीड़ को, लाखों लोगों को प्रभावित कर लिया, उसमें जितने लीडर थे सब प्रभावित हो, यहोशू कालेब अलग थे, मूसा अलग। यहां तक कि हारून को चुना गया था याजक बनने के लिए, महायाजक बनने के लिए, वो भी भीड़ के प्रभाव में आ जाता था, उसको इधर परमेश्वर फिरौन मूसा को पहाड़ पे बता रहा था कि हारून याजक होगा, उसके वंश वाले याजक होंगे, वे लोग बछड़े का बलिदान चढ़ाएंगे, और नीचे हारून सोने का बछड़ा बना रहा था, भीड़ के प्रभाव में आकर। लेकिन मूसा उनसे प्रभावित नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें रहता था। हम लोग नहीं जानते कि मूसा का अभिषेक कब किया गया, मैं ये सोचता हूं कि जब परमेश्वर ने होरेब में उससे बातें की, जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, उसी समय अभिषेक किया, क्योंकि उसको चिन्ह दिया गया था, उसको कहा कि अपनी लाठी डालो वो सांप बन जाएगी, उसकी पूंछ पकड़ो वो लाठी बन जाएगी, 3 चिन्ह उसको दिए गए, उसी समय उसका अभिषेक किया गया। और बाद में जब जब जरूरी पड़ा, जैसे जैसे आश्चर्यकर्मों की जरूरत पड़ती गई, वो सब कुछ होता चला गया मूसा के साथ। और उसके अलावा 70 लोग जो इसराइलियों के
पुरनीय थे उनको भी मूसा के साथ बोझ उठाने के लिए नियुक्त किया गया। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं 70 लोगों को तुम्हारे लिए नियुक्त करूंगा कि वे तुम्हारे साथ बोझ उठाया करें, लेकिन बोझ वे ऐसे नहीं उठा सकते। मूसा को तो पहले से ही बोझ था, जब तक कि परमेश्वर ने उसे बुलाया नहीं था उसके पहले से। इसी चक्कर में उसने एक मिस्री व्यक्ति को मार भी डाला था, लेकिन 70 लोग उनको कोई बोझ नहीं है। मैं चाहता हूं कि वे तुम्हारे साथ बोझ उठाएं, वे बोझ नहीं उठा सकते हैं, तो क्या करना होगा? उसने कहा, तुझ में जो आत्मा मैंने रखा है उसे लेकर उन 70 लोगों में रखो। और उन्होंने इस घटना को गिनती की पुस्तक में पा सकते हैं, 11 अध्याय, गिनती की पुस्तक अध्याय 11 और उसके पद 16 और 17 को देखिए। लिखता है, यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिय और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ खड़े हों। तब मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसे अकेले उठाना ना पड़ेगा। फिर ये जब घटना घटी, तब 25वें पद को पढ़िए, देखिए वहाँ पर लिखता है कि 70 पुरुष इकट्ठे करके तंबू के चारों ओर खड़े किए गए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा, उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था, अर्थात मूसा की आत्मा नहीं लेकिन खुद परमेश्वर की आत्मा, उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न किए। सो उनको बोझ उठाने के लिए भी पवित्र आत्मा की जरूरत थी, तो आज हम लोगों को सेवा करने के लिए उससे बढ़कर जरूरत है। क्योंकि 70 अगुओं ने एक ही बार नबूवत की पर दोबारा नहीं की, वे लीडर थे, लीडर बने रहे, और यहां तक कि इजरायलियों के साथ अविश्वासी भी हो गए। लेकिन अब हम लोग वो मौका नहीं दे सकते कि लोग अविश्वासी हो जाएं, अब हम लोग मौका नहीं दे सकते कि वे भीड़ के प्रभाव में आ जाएं, अब हमें पवित्र आत्मा के प्रभाव में रहने की जरूरत है। सो मूसा को आवश्यकता थी, मूसा के जीवन में था, 70 अगुओं को आवश्यकता थी, उनके जीवन में दिया गया। उसी प्रकार हम लोग एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति के विषय में जरा सा देखें, निर्गमन की पुस्तक और उसके अध्याय 31 और उसके पहले पद, जो काम परमेश्वर ने उनको करने के लिए कहा था वो ऐसा था। मूसा सिनाई के पहाड़ पर चढ़ा हुआ था, परमेश्वर उसे बातें कर रहा था। दूसरे पदों को हम लोग पढ़ते हैं तो वहां लिखता है कि उसको नमूने दिखाए गए। उनको सबसे महत्वपूर्ण काम जो दिया गया वो ये था कि तुम मिलाप वाला तंबू बनाओ। हम लोगों ने उसका दृश्य यहाँ पर देखा था, मिलाप वाला तंबू बनाओगे, चारों तरफ से पर्दे से ढका होगा, उसके बीच में दो स्थान होंगे, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, और उसमें रखने की जो वस्तुएं होंगी, हौदी और वेदी और दीवट और जितनी वस्तुएं, वो सब कुछ तुम बनाओगे, उसका पूरा वर्णन निर्गमन की पुस्तक में मिलेगा। परमेश्वर उसको दिखा रहा था, मूसा देखने वाला कौन था? मूसा। सुनने वाला कौन था? मूसा। अब मूसा इन सारी चीजों को देख सुनकर आया, और शायद उसने पुस्तक में भी लिखकर उनको लेकर आया, जैसे उसको दिखाई दिया उसका वर्णन किया जाए। और उसने आकर के लोगों से कहा कि ऐसी चीजें बनानी है, मेज बनानी है जो इतनी ऊंची हो, उसके अलंगों की ऊंचाई इतनी हो, उसकी चौड़ाई इतनी हो, दो करूब हो, तो आपस में सामने की तरफ पंख किए हो, वगैरह वगैरह वगैरह। पूरा वृतांत आप निर्गमन की पुस्तक में पढ़ लीजिए। जब मैंने उसको पहली बार पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो बोल क्या रहा, उसका रूप कैसा होगा। अब सोचिए, देखा है मूसा, कैमरा भी नहीं था उसके पास कि फोटो लेकर आए, अब बनाना है दूसरे को। शुरुआत में सृष्टि के समय में परमेश्वर ने चाहा कि उजियाला हो, उसके मन में था कि उजियाला हो, पवित्र आत्मा को मालूम था उजियाला कैसा होना चाहिए, उसने वैसा ही किया। परमेश्वर के मन में था कि पेड़ पौधे उगे, उसमें बीज हो, वगैरह वगैरह। पवित्र आत्मा को एग्जैक्टली मालूम था परमेश्वर के मन में क्या है, उसने एग्जैक्टली वैसा ही किया। जीव जंतु हो, पवित्र आत्मा को मालूम था, उसने वैसे ही किया।
पवित्र आत्मा परमेश्वर को भली भांति समझता है, पिता को भली भांति समझता है और भली भांति उसके विषय बता सकता है, वैसे ही कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लिंक वैसा नहीं, यहाँ दिखाने वाला परमेश्वर है, देखने वाला मूसा है जो देख के आ रहा है, सुन के आ रहा है और फिर आकर लोगों को बोल रहा है कि ऐसे ऐसे बनाना है। अब दूसरे लोग उसको बनाएंगे। अब क्या पता जो, और उसको कहा गया था जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया वैसा ही बनाना, उससे अलग नहीं होना चाहिए। आप ही को सोचिए कि मान लिए कि आपने किसी व्यक्ति को देखा है, जैसे लोग करते हैं किसी अपराधी के लिए, पुलिस स्टेशन में आपको ले जाया जाए और कहा जाए कि तुम जो भी उसको याद करते हो बताओ, वर्णन करो, हमारा चित्रकार बना देगा। आप जो भी बताएंगे चित्रकार कोशिश करेगा, आप कहेंगे उसकी आंखें छोटी थी और भौहें ऐसी थी और नाक ऐसी थी, रंग ऐसा था, बाल थोड़ा कम थे वगैरह वगैरह। लेकिन देखा तो आपने था, अब तो फोटो लेकर नहीं आए, आप तो मुंह से बोल रहे हैं, अब दूसरा सुनने वाला उसको बनाने की कोशिश करेगा, कितना कठिन काम। और वो एग्जैक्टली बनाएगा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहां तो काम ये है कि जैसा मूसा देख के आया वैसे ही बनाना। तब इस कठिन काम को निपटाया कैसे जाए? तो परमेश्वर ने क्या किया, उसने व्यक्ति को चुना भीड़ में, उसका नाम था बसलेल। और उसी के विषय में हम लोग 21वें अध्याय उसके पहले पद से पढ़ते हैं। इतने फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं उरी के पुत्र बसलेल को जो हूर का पोता यहूदा के पुत्र का नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि प्रवीणता ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करता हूं। मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण करता हूं जो बुद्धि ज्ञान सब प्रकार की प्रवीणता देने वाली आत्मा है। मैं उस आत्मा से उसको परिपूर्ण करता हूं और वो इन सारे कामों को करेगा। जब मैंने इस वचन को पढ़ा मेरे अंदर इस बात का खुलासा हुआ कि जब मूसा वहां से पहाड़ से देख कर आया, उसने बताया कि वेदी ऐसी होगी और उसको उसने बताया बसलेल को। जब उसने बसलेल को बताया कि वेदी ऐसी होगी, तब बसलेल के मन में उसकी तस्वीर उभरी कि वेदी ऐसी होगी। जब उसने बताया कि दीवट ऐसा होगा और उसने बसलेल ने इस बात को सुना, तो बसलेल के मन में तस्वीर उभरी कि दीवट ऐसा होगा। और जो तस्वीर उभरा वो एग्जैक्टली वही तस्वीर थी जो मूसा देखकर आया था। मूसा पहाड़ में देखकर आया था, देखने वाला मूसा था। मूसा अपने मन की बात एग्जैक्टली नहीं बता सकता, मूसा अच्छा चित्रकार था कि नहीं था पता नहीं, हम लोग नहीं जानते मूसा ने कोई चित्र भी बनाया, लेकिन वो बोल सकता था, वो बता सकता था। और जब वो बता रहा है तो पवित्र आत्मा इस रीति से काम कर रहा है कि उसके मन में वही तस्वीर आती है जो मूसा ने पहाड़ पर देखा, और जब वो तस्वीर आई तो उसको सही सही बना भी सकता, और उसको किस रीति से बनाएगा वो सब कुछ उसको दिया गया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो जो सृष्टि के समय में पवित्र आत्मा ने किया था, उसने उसी रीति एक गुण बसलेल को दिया ताकि बसलेल भी कर सके। क्योंकि वास्तव में जो मिलाप वाले तंबू में जो वस्तुएं जरूरी थी वो परमेश्वर के मन में उत्पन्न हुई थी। उसने सोचा था कि वेदी कैसी होगी, उसने सोचा था कि दीवट कैसा होगा, पर्दे कैसे होंगे, संदूक कैसा होगा, फिर नमूना उसको दिखाया गया मूसा को, बनाने वाला बस ले ले। सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने सोचा उजाला होगा, परमेश्वर ने सोचा पेड़ पौधे होंगे, परमेश्वर ने सोचा जीव जंतु होंगे, करने वाला पवित्र आत्मा था। यहाँ करने वाला बस ले ले, परंतु कराने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसका मतलब है कि अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे तो हम लोग एग्जैक्टली उस काम को कर सकते हैं जो परमेश्वर ने सोचा है। उसमें से कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, वो एग्जैक्टली वैसे ही होगा। ऐसा हो चुका है पहले। इसी प्रकार हम लोग दूसरे व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम यहोशू है, और वचन इस बात को बताता है कि यहोशू ने इज़राइलियों की अगुवाई की। व्यवस्था ग्रंथ की पुस्तक उसके आखिरी अध्याय और उसके पद 9 देखिए, वहां पर लिखा है, नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इसराइली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। इसराइली जितना भी मूसा के विरोध होते थे, कुड़कुड़ाते थे, विरोध करते थे, लेकिन मूसा की आखिर मान लेते थे। मूसा जब बोलता था इधर चलो तो चले जाते थे,
मूसा जब बोलता था कि 12 जासूसों को भेजो तो भेज देते थे, उसके मानते थे, कई बार विद्रोह करते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ग्रुप दो टुकड़ों में बट गया, कि मूसा एक लीडर, विरोधियों का एक लीडर, वे अपना रास्ता पकड़कर चले गए, ऐसा नहीं हुआ। वो साथ में ही रहे, कुड़कुड़ाते रहे, विरोध करते रहे, बोलते रहे, लेकिन साथ में रहे। अब मूसा मर गया है, अब ये भारी भीड़ जो मूसा की नहीं मानती थी उसके विरुद्ध बोलती थी, तब यहोशू की क्यों माने? मूसा ने तो आकर वहां चिन्ह चमत्कार दिखाया है, लोगों ने मूसा के अगुवाई में बहुत सारे चमत्कार देखे, यहोशू ने क्या किया? तो अब बाकी भीड़ के लोग यहोशू की क्यों माने? क्या प्रमाण है कि परमेश्वर ने यहोशू को चुना? तो परमेश्वर ने यहोशू को क्वालिफिकेशन दिया इस बात की, जैसे उसने मूसा को दिया था, मूसा को उसने अपना आत्मा दिया था, अब उसने यहोशू पर भी अपना आत्मा दिया। अब यहोशू उसे आत्मा के कारण क्वालिफाइड है, और वचन लिखता है इसराइली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे, उसकी अर्थात यहोशू की मानते। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक में, मूसा की भी उन्होंने मानी, कभी कभी नहीं भी मानी, लेकिन यहोशू की पुस्तक में हम जब पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि पहले विद्रोह करने वाले लोग थे वो मर मिटे, और यहोशू के जमाने में जो बच गए उन्होंने एग्जैक्टली यहोशू की बात को माना, एक दो लोगों को छोड़कर उन्होंने यहोशू की बात को माना, जो कुछ यहोशू उनको निर्देश देता था उसके साथ में हो लेते थे। यहोशू ने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे बातें की है, जब तक मूसा जीवित रहा हम लोग नहीं जानते परमेश्वर ने कभी यहोशू से बात की थी कि नहीं, मूसा जब जीवित था परमेश्वर मूसा से बात करता था, परमेश्वर कभी कभी हारून से बात कर लेता था, कभी कभी मरियम से बात कर लेता था जो उनकी बहन थी, और एक बार उसने पहाड़ से सारी पब्लिक से बात की थी, लेकिन स्पेशली बाकी किसी से बात किया था कि नहीं, नहीं पता। यहोशू पहाड़ पर जाता था मूसा के साथ में, लेकिन यहोशू से कभी बात किया नहीं पता, लेकिन जब मूसा मर गया तब परमेश्वर ने यहोशू से बातचीत की, और उसने कहा कि मेरा दास मूसा मर गया, अब रो निकल अपने का समय नहीं, उठ कमर बांध, सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को चला जाए, मैं देश तुम्हारे लिए दे दूंगा, तुम जहां कदम रखोगे वो स्थान मैं दे दूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ भी बना रहूंगा, कोई तेरे जीवन भर तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। और यहोशू इसी वचन के अनुसार गया, परमेश्वर उसके साथ में था, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ में था, और हम लोग इस बात को पाते हैं कि मूसा ने तो दो राजाओं को हराया था लेकिन यहोशू ने तो 31 राजाओं को हराया है। मूसा उनको दूध और मधु के देश में नहीं पहुंचा सका था लेकिन यहोशू उनको पहुंचा सका, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ में था। कई बार जब हम सेवकाई करते हैं, कामों को करते हैं, तो हमें उन कामों को करने होते हैं जो पहले के सेवक यहां तक छोड़ गए। हमारी सेवकाई ऐसी चलती रिले रेस की जैसे, कोई और आकर हमको बैटन धरा देता है, फिर हम अपनी दौड़ दौड़ते हैं, किसी और को थमा देते हैं, वहां से आगे वो दौड़ता है, लेकिन दौड़ हमने शुरू नहीं की थी, दौड़ तो यीशु मसीह ने शुरू की थी, उसने 12 लोगों को थमा दिया, फिर 12 लोगों ने आगे दौड़ जारी है वो दौड़। हम भी सेवकाई करते हैं वही दौड़ दौड़ रहे, मूसा वहां तक दौड़ा, मूसा वहां से आगे नहीं जा सका, लेकिन अब यहोशू के हाथ में, यहोशू उस सेवकाई को अपने ऊपर लेगा, लेकिन यहोशू कैसे सफल होगा? यहोशू परमेश्वर की आत्मा से सफल हुआ, और वो हुआ भी, उसके साथ में वही आश्चर्य कर्म हुए जो मूसा के साथ में हुए। मूसा के सामने लाल समंदर था रास्ता रोकने के लिए, यहोशू के सामने यरदन नदी थी रास्ता रोकने के लिए, मूसा के पास तो लाठी थी बढ़ाने के लिए, यहोशू के पास तो लाठी भी नहीं थी। मूसा को परमेश्वर ने कहा था तुम अकेले पहाड़ पर चढ़ के चले जाना, मूसा लाठी लेके पहाड़ में चढ़ गया, मर भी गया, लाठी वही खो गई। कम से कम लाठी देकर जाता तो यहोशू को मालूम होता कि इसी लाठी से तो मूसा ने सब कुछ किया, मैं भी जब जरूरत पड़े तो लाठी, लाठी तक नहीं दी। लेकिन परमेश्वर जानता था कि क्या देना चाहिए, लाठी की जरूरत नहीं, मैंने मूसा को अपना आत्मा दिया था, मैं यहोशू को अपना आत्मा दूंगा, और उसने यहोशू को अपना आत्मा दिया और यहोशू सफल हुआ। हालांकि हम ये नहीं कहते कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का आत्मा होगा तो एग्जैक्टली सब काम को वो सही सही ही करेगा, क्योंकि मूसा ने भी ऐसा नहीं किया, आखिर एक बार वो भीड़ के प्रभाव में आ गया था,
जब परमेश्वर ने कहा तू चट्टान से बातें कर और वो जल्दी चट्टान को मारा। यहोशू के जीवन में भी ऐसा नहीं है कि जब उस पर आत्मा दिया गया तो उसने सब काम एकदम सटीक। यहोशू ने उनको कनान में प्रवेश तो दिला दिया लेकिन बाद में ठीक से काम नहीं किया। यहोशू ने अपने जाते जाते अगला लीडर तैयार नहीं किया जिसका नतीजा ये हुआ कि न्यायों की पुस्तक लिखी गई और वहां पूरी अराजकता थी। वहां कई बार इस पद को लिखवा पाएंगे, वहां जिसको जो समझ में आता था वही करता था। इसराइल का कोई लीडर नहीं था। नेक्स्ट फेज का लीडर यहोशू तैयार नहीं कर पाया। लेकिन यदि हम सावधान रहें तो परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन में हो तो हम सारी बातों को परफेक्शन के साथ कर नहीं पाएंगे। यूसुफ के जीवन में हम ऐसी कोई समस्या नहीं देखते। यूसुफ ने सारी चीजों को परफेक्शन के साथ किया। दानियल ने सारी चीजों को परफेक्शन के साथ किया। लेकिन यह हमारे ऊपर भी कुछ निर्भर करता है। परमेश्वर का आत्मा तो आता है सहायता करने के लिए लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। उस रीति से हम लोग आगे गिदोन की पुस्तक गिदोन के विषय में पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक में इज़राइलियों का जीवन यहोशू के बाद में रहा। उस पुस्तक को हम ऐसे व्याख्या कर सकते हैं इशारे से। मैं उसको पुस्तक को बताता हूँ इशारे से। पुस्तक ऐसी 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 समझे। कुछ समय तक वे अच्छा चलते रहे फिर पापों में पड़ गए। बंधुआई में रहे, दुहाई दी, एक न्यायी आया, छुटकारा दिया, ठीक हो गए। फिर कुछ समय तक ठीक चले फिर पापों में चले गए, बंधुआई में चले गए। फिर कितने सालों तक बंधुआई, दुहाई दी, फिर एक न्यायी आया, फिर छुड़ाया, फिर कुछ समय तक चले अच्छा, फिर वही ऐसी ऐसी पुस्तक। क्योंकि यहोशू ने नेक्स्ट लीडर तैयार नहीं किया था, उनको अगले क्रम में जाने के लिए तैयार नहीं किया था। तो लोग हमेशा पाप में पड़ जाते थे, बिना चरवाहे के भेड़ तितर बितर हो जाती। लेकिन परमेश्वर किसी व्यक्ति को उभारता था, उनको छुड़ाया। और जब भी वे पापों में पड़ जाते थे तो या तो पलिस्ती या तो मिद्यानी या तो कोई आकर उनको दबा लेता था, उनके ऊपर शासन करने लगता था, उनको गुलाम बना लेता था। अब एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती थी जो उनको छुटकारा दे। तब परमेश्वर छुटकारा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को चुन लेता था और उसको अपनी सहायता देता। बहुत सारे लोगों का नाम यहाँ पर मिलेगा पर हम लोग दो लोगों का जिक्र करें। उसमें से एक है गिदोन। गिदोन के विषय में लिखा हुआ है कि वो मनश्शे के गोत्र का था और उसका अपना कहना यह था कि वो अपने पिता के घराने में सबसे छोटा है। मतलब जो उसके पिता लोग जितने भाई थे तो उसका पिता जो था सारे भाइयों में छोटा था। और जितने उसके भाई बहन थे गिदोन उनमें सबसे छोटा था। मतलब चुना भी तो किसको चुना, जो सबसे छोटा, पिता के घराने तरफ से भी छोटा, भाइयों में भी छोटा, सबसे छोटा। और वो मनश्शे के घराने का है, कोई दूसरे ऐसे घराने का नहीं है जो जिनका बड़ा नाम हो। और परमेश्वर उसके पास में एक दूत प्रकट हुआ और उसको चुना गया, कहा गया हे सूरवीर सूरमा, जबकि वो डर के मारे गेहूं झाड़ रहा था, डाक रौंदने वाली होदी में छुप कर। मिद्यान उनका डर के मारे, उसको इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि खुलेआम गेहूं झाड़ ले, क्योंकि कब मिद्यानी आ जाएंगे तो हमला करके लूट कर ले जाएंगे। वो छुप करके गेहूं झाड़ रहा था, कोई ना देखे कोई ना जाए, मेरे पास मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ हो। तब यहोवा का दूत आकर कहने लगा हे सूरवीर सूरमा। ऐसा सूरवीर सूरमा जो खुद डर रहा है, यहोवा तेरे साथ में है, तुम्हारे द्वारा वो इज़राइलियों को छुड़ाएगा। वो गिदोन बहाना करने लगा, कहने लगा कि मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ, मनुष्य है, कंगाल है, क्या क्या है, हम नहीं जा सकते। परमेश्वर ने उसे कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ, इतना ही काफी है, यही क्वालिफिकेशन काफी है। पद 14 को देखिए, छठवां अध्याय लिखता है न्यायों की पुस्तक। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा अपनी इसी शक्ति पर जा और तो इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा, मैं तुम्हारे साथ, तुम कौन हो क्या हो कोई मतलब नहीं, तुम किस गोत्र से आते हो, कितने छोटे पद के हो, कंगाल हो नहीं हो कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं यही महत्व रखता है। और यहोवा उसके साथ में रहा, किस रीति से उसके साथ में रहा, वचन कहता है कि यहोवा का आत्मा उस पर आया।
पद 34 को पढ़िए, वहां लिखता है यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका, तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। और फिर दूत भेजे गए और दूसरे कुलों के लोग जो आशेर जबलून नप्ताली के लोग थे वे लोग भी उसके पास इकट्ठे हुए। देखिए ये सबसे छोटे घराने का है, सबसे छोटा व्यक्ति, उसकी कौन सुनेगा? उसके अपने भाई उसके नहीं सुनते, लेकिन यहोवा उसके साथ में है। और यहोवा का आत्मा जब उसमें समाया, उसने नरसिंगा फूंका और जितने अबीएजेर के थे वे लोग उसके पास इकट्ठे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा साथ देंगे। और फिर उसने दूत भेजे दूसरे गोत्र के लोगों के पास और वे लोग भी उसके पास चले आए, वे कहने लगे हम तुम्हारा साथ देंगे। इतनी भीड़ आ गई कि भीड़ को भगाना पड़ा। कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरी सुनेगा? जब उसने यहोवा के आत्मा में भरकर नरसिंगा फूंका तो भारी भीड़ आ गई, भीड़ को लौटा देना पड़ा। उसमें से सिर्फ 300 लोगों को चुना गया, लेकिन यहोवा का आत्मा उसके साथ में था और उसी आत्मा ने उसको सफल किया। हम लोगों को जब परमेश्वर सेवा के लिए चुनता है, क्यों लोग हमारी सुने? क्यों हम जब बोले तो लोग थोड़ा भी ध्यान दें? क्यों? मैं अपने विषय में सोचता हूं कि मेरी बात को कोई क्यों सुने। मैं किसी ऐसे लाइन से नहीं आता हूं, ऐसी पंक्ति से नहीं आता हूं, बड़े लोगों की पंक्ति से, जहां पर मेरे ऊपर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ हो, मुझको इंट्रोड्यूस कराया गया हो, दिस इज माय सन। मेरी कोई क्यों सुने? या आप भी जब सेवा करें तो आपकी कोई क्यों सुने? हम कोई पैर भी लेकर नहीं आते। मैंने तो जहां भी सेवकाई की है पिछले दरवाजे से ही एंट्री की है। पिछले दरवाजे का मतलब घुस देकर नहीं। मतलब जब कोई नहीं जानता था तब अचानक प्रभु ने वहां पर पहुंचा दी। कोई बकायदा कोई जानता था, कोई योजना बना रहा था मेरे विषय में, लोग ऐसी बात नहीं है, अचानक ही मैं वहां पहुंच गया और सेवकाई करना शुरू कर। परमेश्वर ने ऐसे ही मेरे लिए किया। मेरे लिए द्वार पर द्वार खुलते चले गए, लोग पर लोग इकट्ठे होते चले गए, सुनते चले गए। लोग मेरी क्यों सुने? क्योंकि गिदोन की उन्होंने सुनी, क्योंकि यहोवा का आत्मा उसके जीवन में था। आज मेरी क्यों सुने या क्यों सुन रहे हैं? इसलिए क्योंकि उसका आत्मा मेरे जीवन में। आपकी भी सुनेंगे क्योंकि आप परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में होगा। सो हमारी जो क्वालिफिकेशन है सेवकाई करने के लिए वो यहोवा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, वो गिदोन के जीवन में था, उसी प्रकार सिमशोन के जीवन में था। कई बार आप 13वें अध्याय न्यायों की पुस्तक से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ पाएंगे कि यहोवा का आत्मा सिमशोन के जीवन में बल से उतरा और सिमशोन ने सी को फाड़ डाला, उसने भीड़ को मार डाला, उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। हालांकि मैं इस घटना को अभी ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि आप सिमशोन वाली घटना को खुद से पढ़ें, पूरी घटना अध्याय 13 से शुरू कीजिए जब तक सिमशोन की मृत्यु नहीं हो जाती। मैं चाहता हूं कि आप खुद पढ़ें ताकि आपको थोड़ा अजीब अनुभव हो, और होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारी धारणाएं बनाते हैं परमेश्वर के आत्मा के विषय। लेकिन मैं समझता हूं मैं इसी बात के लिए हूं कि बहुत सारी धारणाओं का खंडन करूं। लेकिन खंडन करने से पहले आप खुद एक बार चेक कीजिए। कई बार मैं खंडन करता हूँ बाद में कहता हूँ चेक कीजिए, इस बार मेरा कहना है कि पहले आप चेक कीजिए। आप खुद से पढ़िए न्यायों की पुस्तक अध्याय 13 से आगे सिमशोन के जीवन। यहोवा का आत्मा जब उस पर आता था तो वो बड़ी शक्तिशाली हो जाता था, शक्तिशाली शक्ति से भर कर वैसा हो जाता था कि सी को फाड़ डाले। 1000 लोगों को उसने गद्दे की जबड़े से मारकर नष्ट कर दिया। कितने ही बार उसने फिलिस्तीनियों के हाथ से इज़राइल को छुड़ा लिया। ऐसी शक्ति उसके जीवन में आ जाती थी। उसको कई बार रस्सी से बांधा गया पर रस्सी जल जाती थी, उसको तांत से बांधा गया पर तांत टूट जाती थी, वो जले हुए सन के समान हो जाती थी जब यहोवा का आत्मा उसके जीवन में उतरता था और वो लोगों को छुड़ाने वाला ठहरता था। यहोवा का आत्मा उसके साथ एक विशेष वाचा के तहत था, उसके लिए वाचा बांधी गई थी कि वो नाजीर होगा, इसलिए वो दाख से उत्पन्न कोई वस्तु नहीं खाएगा नहीं पिएगा और उसके बाल कभी भी शेव नहीं किए जाएंगे, उस पर उस तरह कभी नहीं फिरेगा। इन्हीं दो वाचाओं के तहत वो सिमशोन के जीवन में था, बाकी किसी दूसरी वाचा के तहत नहीं। आप उसको खुद पढ़कर देखिए, यहां तक कि व्यवस्था के मुताबिक भी नहीं, जबकि व्यवस्था उन्हें दी गई थी।
मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। जब वो जा रहा था तब एक सिंह गरजने लगा, उसने सिंह को फाड़ दिया, फिर वो आगे चला गया। फिर जब वो दूसरी बार जा रहा था तब उसने क्या देखा कि सिंह तो वहां मरा पड़ा है और उसमें मधु का छत्ता बन गया, उसे मधु का रस पिया। और उसने जाकर मधु में से कुछ लिया और वो खाते पीते चला गया और उसने जाकर और भी लोगों को दिया। लेकिन यहोवा उसके साथ में रहा, आगे चलकर जो भी शक्ति के काम करने थे उसने किया। लेकिन व्यवस्था के मुताबिक तो यहोवा को उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था में लिखा था कि तुम लाश को छुओगे नहीं अगर वो मर जाए। कोई आदमी हो, कोई जानवर हो, अगर वो मर जाए तो तुम उसको छुओगे नहीं। लेकिन ये तो लाश में से मधु निकाल कर खा रहा था और यहोवा उसके साथ बना हुआ था। बाकी बातें भी लिखी हैं, मैं चाहता हूं आप उसको खुद पढ़ें। उसी प्रकार शमूएल के जीवन में था, उसी प्रकार दाऊद के जीवन में था। शमूएल को जब भेजा गया अभिषेक करने के लिए दाऊद का, तब दाऊद के ऊपर उसने कुप्पी में तेल भरकर उंडेला, शमूएल की पुस्तक अध्याय 16 में आप पढ़िए। और जब से शमूएल ने दाऊद के ऊपर में वो तेल उंडेला था संकेत के रूप में, उसका अभिषेक किया तेल उंडेल कर, तो वहां लिखता है पद 13 में, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामाह को चला गया। जिस दिन से उसका तेल से अभिषेक किया गया, यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा और दाऊद के जीवन में भी ऐसी बड़ी सफलता मिलती रही। बार बार आप इस बात को लिखा हुआ पाएंगे कि यहोवा दाऊद के संग था, यहोवा दाऊद को सफल कर देता था, उसको प्रमोशन पर प्रमोशन मिलने लगा। वो वीणा बजाता था, पहले उसके वीणा बजाने में वो खासियत नहीं थी जो बाद में आ गई यहोवा के आने पर। जब यहोवा का आत्मा उस पर उतरने लगा तब जब वो वीणा बजाता था तो दुष्ट आत्माएं भागने लगी। और जो शाऊल उसके पहले जिसका अभिषेक किया गया था, जिस पर भी यहोवा का आत्मा आया था, जिसने भी नबूवत किया था, लेकिन उसको यहोवा का आत्मा छोड़कर चला गया, क्योंकि जो बात उससे कही गई थी उसने उस बात का पालन नहीं किया था। और तब दुष्ट आत्मा भगाने के लिए दाऊद को बुलाया जाने लगा। और दुष्ट आत्मा भगाने के लिए दाऊद ये नहीं कहता था यहोवा का नाम से निकल जाओ, यीशु मसीह तो आया नहीं था, नाम नहीं ले सकते थे। वो वीणा बजाता था और जब वो बजाता था तो यहोवा यूं काम करता था, उसका आत्मा यूं काम करता था कि दुष्ट आत्मा सॉल में से निकल जाती थी, उसको प्रमोशन मिलने लगा। उसने जाकर देखा लड़ाई के मैदान में उसके भाई लोग जो हट्टे कट्टे शूरवीर थे घबरा रहे थे गोलियत के सामने, क्योंकि गोलियत उनको धमकी दे रहा था और उसके भाई तो मरे शारीरिक ही थे। वे लोग बातों को सुनकर, इसराइल लोग हमेशा ऐसे ही होते थे, वे लोग हमेशा शरीर ही को देखते थे, और कई बार हम लोग भी ऐसे करते, शरीर को ही देखते थे, उनकी बातों को ही देखते थे, प्रभावित हो जाते थे। दाऊद ने जब उसको देखा तो उसको छोटा दिखाई पड़ा गोलियत। उसने कहा कि ये खतना रहित पलिश्ती क्या है, हम लोग खतना वाले हैं, ये बिना खतना वाला है, अर्थात हम लोग वाचा वाले हैं, ये बिना वाचा वाला है, परमेश्वर हमारे साथ है, इसके साथ नहीं है, फिर तुम लोग क्यों डरे। बाकी सारी भीड़ गोलियत से प्रभावित हो रही थी लेकिन दाऊद परमेश्वर से प्रभावित था, क्योंकि उसका आत्मा उसके जीवन में काम कर रहा था। और उस भीड़ में उसने अपने आप को अकेला पाया जो गोलियत से नहीं डर रहा, बाकी सब डर रहे। शाऊल भी अपने राजमहल में, और तब उसने 5 पत्थर चुनकर निकाले और उसको मारने के लिए खड़ा हुआ। फिर हम लोग कहानी पढ़ते हैं कि उसने 5 पत्थर में से 1 पत्थर निकाला, गोफन में रखकर मारा, गोलियत मर गया। लेकिन मत सोचिए कि वो निशानेबाजी में ज्यादा निपुण था, इसीलिए जरूर था, लेकिन दाऊद इसलिए सफल हुआ क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ जरूर वो निशानेबाजी में सफल होगा, अच्छा होगा, सटीक निशाना लगाता होगा, लेकिन अभी निशाना लगाना ज्यादा कठिन था, क्योंकि जब आप गोलियत के विषय में पढ़ेंगे, टोप उसने पहना हुआ था, जिलम उसने पहना हुआ था 57 किलोग्राम का, उसके आगे एक जन बड़ी ढाल लेकर चलता था, उसके पास भाला था जिसकी नोक 7 किलोग्राम की थी, गोलियत की हाइट खुद अपने आप 9 फुट की थी, और इन सब के बीच में निशाना लगाना इतना आसान नहीं। और उस पर से वो तलवार लेकर आ रहा है, धमकी भी दे रहा है और श्राप भी दे रहा है, और तब बिना डगमगाए वो निशाना लगाया। ऐसा नहीं था कि उसको निशाना लगाने पर कॉन्फिडेंस था,
उसको अपने परमेश्वर यहोवा पर कॉन्फिडेंस था, और ये कॉन्फिडेंस उसको उसके आत्मा के द्वारा मिला। उसी के आत्मा के द्वारा उसने ऐसा निशाना लगाया कि गोलियत एक ही निशाने पर गिर कर मर गया। उसी ने उसको सफल किया, उसी ने उसको राजा तक बना दिया बाद में, क्योंकि उसको राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया था। शाऊल के जीवन में भी ऐसी था, उसको भी चुना गया था, राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया था। शाऊल ने उसको कहा, तुम्हारा अभिषेक कर दिया गया, जाओ तुम गदी ढूंढ रहे वापस लौटो, गदी वहां वापस मिल गई है। आज तुम जब जाओगे, नबियों का एक दल मिलेगा पहाड़ से उतरते हुए, बाजे बजाते हुए, नबूवत करते हुए, वहां पर यहोवा का आत्मा तुम पर उतरेगा। यहोवा का आत्मा नबियों के दल में तो था ही, वो शाऊल के जीवन में उतर आया, शाऊल भी नबूवत करने लगा। पुराने जमाने के लोग आमतौर पर, कोई जरूरी नहीं हमेशा, कभी कभी हम लोग दूसरे रूप में देखते हैं, लेकिन कई बार हम लोग इस रूप में देखेंगे कि जब वो किसी के ऊपर उतरता था तो लोग नबूवत करते थे, भविष्यवाणी करते थे, बोलने लगते थे, अपनी भाषा में परमेश्वर की ओर से उभारे जाकर बोलने लगते थे। और उसी प्रकार से बहुत सारे भविष्यवक्ता भी आए जिन्होंने पुराने नियम में भविष्यवाणियां की। जितने भविष्यवक्ता आरंभ से लेकर अंत तक मलाकी तक है, सारे लोगों ने कुछ संदेश पाया, भविष्यवाणी की, वे सब के सब परमेश्वर के आत्मा के उभारे जाकर भविष्यवाणी करते थे। भविष्यवाणी के विषय में आगे चलकर हम लोग सीखेंगे, लेकिन हम लोग अभी एक पद निकाले, दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसका आखिरी पद 21, दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसका 21वां पद। वहां पर इस बात को बताया गया कि जितने भविष्यवक्ता होते थे वे परमेश्वर की ओर से उभारे जाकर बोलते थे। लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। वे पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाते थे और परमेश्वर की ओर से बोलते थे। दरअसल जो नबी शब्द है इब्रानी का, उस नबी शब्द का अर्थ है परमेश्वर का मुंह। परमेश्वर को कुछ कहना होता था, उसने पहली दफा सिनाई के पहाड़ से लोगों से कहा तो लोगों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा सुनना नहीं चाहते, हम लोग मर जाएं। तो ठीक है, एक व्यक्ति निर्धारित किया जाए जिसको मैं चुनूं, उसके द्वारा बोलूंगा, पर बाद में परमेश्वर ने इसी रीति से बातें की, जब भी उसको कुछ कहना होता था एक व्यक्ति को नियुक्त करता था, वो व्यक्ति परमेश्वर की तरफ से बोलता था। जैसे मूसा के समय हुआ, परमेश्वर मूसा से बातें करता था और कहने लगा तुम फिरौन के पास जाकर बोलो। मूसा डरता था और वो कहने लगा कि मैं नहीं बोल सकता, मेरा भाई चलेगा तब तो ठीक है, तुम्हारा भाई हारून तुम्हारे साथ चलेगा, और तुम जो भी कहना होगा मैं हारून से नहीं कहूंगा, तुमसे कहूंगा, और तुम जाकर हारून से कहोगे और हारून जाकर फिरौन को कहे। सो तुम हारून के लिए परमेश्वर के समान रहोगे और हारून तुम्हारे लिए नबी के समान होगा। अर्थात जो संदेश होगा वो तुम हारून को बताओगे और हारून तुम्हारा मुंह बनेगा। हारून मानो नबी के समान, अर्थात जितने नबी होते थे वे परमेश्वर का मुंह होते थे। परमेश्वर को जब कुछ कहना होता था वो नबी एक व्यक्ति को चुनता था और उसके द्वारा बोलता था। लोग कहते नबूवत करते थे, नबूवत करने का अर्थ है कि वे परमेश्वर की तरफ से बोलते थे। अब वे क्या बोलेंगे, ये बहुत सारी बातें होंगी। नबी शब्द है, भविष्यवक्ता शब्द है। भविष्यवक्ता आमतौर पर हम लोग समझते हैं भविष्यवक्ता का मतलब भविष्य बताने वाला, भविष्य बताने वाला से अर्थ नहीं, भविष्य भी बता सकता है, लेकिन भविष्यवक्ता सिर्फ भविष्य बताएगा ऐसी बात नहीं, वो और भी बहुत सारे कामों को करता है। आने वाले समय में हम लोग इसके विषय में सीखेंगे। मुख्य रूप से वे परमेश्वर की तरफ से संदेश लाते थे, वे बोलते थे। और हम लोग इसी रीति से दानियल को पढ़ेंगे, दानियल भविष्यवक्ता, उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा था, वो स्वप्न बता सकता था, स्वप्न का अर्थ भी बता सकता था। बहुत इंटरेस्टिंग है उसका जीवन, स्वप्न देखने वाला नबूकदनेज़र है, उस स्वप्न को दोबारा देखने वाला दानियल है, और उसका अर्थ बताने वाला भी दानियल है। जो कुछ उसने अपने जीवन में किया आश्चर्यकर्म के रूप में, वो सब प्रकाशन पर आधारित था। कुछ ऐसे प्रकाशन परमेश्वर दानियल को देता था जिसको जब वो बताता था तब लोग चकित हो जाते थे। यूसुफ के साथ में भी ऐसी, यूसुफ के जीवन में जब पवित्र आत्मा दिखाई दिया, सामर्थ्य के काम नहीं दिखाई दिया,
पहाड़ हटा दिया, पानी को दबा कर दिया, ये सब नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये दिखाई दिया कि कुछ भेद, कुछ प्रकाशन वो लेकर आया और उसी से काम। दानियल के जीवन भी ऐसे कुछ भेद, कुछ प्रकाशन वो लेकर आया और उसी से काम। उसी जगह कुछ ऐसे लोग हुए जैसे शिमशोन, जैसे गिदोन, जिनके जीवन में सामर्थ्य की बातें दिखाई दी कि उन्होंने जब कुछ किया तो सामर्थ्य की बातें ही लेकर आए। उन्होंने कुछ ऐसा संदेश लोगों को नहीं दिया जो भविष्य का संदेश था, जैसे शिमशोन, उसने ऐसा कोई संदेश, कोई भेद प्रकट नहीं किया। पुराने समय में जब परमेश्वर लोगों को चुनता था तो सारे लोगों पर सारी बातें प्रकट होंगी, ऐसा नहीं। कोई व्यक्ति उसके सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए चुना जाता था, कोई व्यक्ति उसके भेद को प्रकट करने के लिए चुना जाता था, कोई व्यक्ति उसके संदेश को प्रकट करने के लिए चुना जाता था, अलग अलग। और वे लोग अपना काम ढंग से करते थे, उनको करना होता था। नए नियम में भी ऐसा कुछ है, हम लोग उसको आने वाले समय में सीखेंगे। पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में आप सुने होंगे, 9 वरदान है ऐसा कहते हैं, हम लोग उसके विषय में डिटेल से देखेंगे। नए नियम में आकर अभी हम लोग पुराने नियम में, लेकिन मैं यहां पर 2 बातें कहकर जाना चाहता हूं। क्यों हम लोग पुराने नियम की बातें सीख रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि पुराने नियम की बातें हमारे लिए छाया के समान है। एक दफा जब हम लोग वाचाओं के विषय में सीख रहे थे तो हमने ये सीखा था, पता नहीं मैंने उस समय इस बात को बताया था कि नहीं, कि जब लोगों ने पाप कर दिया उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, एक वाचा दी गई। वाचा में कुछ प्रगटीकरण था, परमेश्वर की कुछ भरपूरी थी, कुछ आशीष थी। और उसके बाद मूसा के समय में इसराइलियों के साथ एक वाचा बांधी, वाचा में भी कुछ आशीष थी, प्रगटीकरण था, वहां पर डिटेल से सारी आशीषों का जिक्र था, हालांकि उसमें श्राप भी ऐड कर दिया। उसके बाद यीशु मसीह आया और एक नई वाचा साथ में आई। नई वाचा में आशीषें हैं, भरपूरी हैं, श्राप नहीं है। और पुराने समय से जितनी भी बातें थी उससे बेहतर बातें हैं, क्योंकि हमने सुना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सारे भविष्यवक्ताओं से बढ़कर है, परंतु जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे भी बड़ा है, तो उससे बेहतर आशीषों का दावा हमारे साथ में। और ये जो नई वाचा है, इसके बाद जब यीशु मसीह आएगा, राज्य करेगा, तब वो और भी बेहतर समय होगा, क्योंकि वो सारे संसार को परिवर्तित कर देगा, माहौल को परिवर्तित कर देगा, वातावरण को परिवर्तित कर देगा। सो जो यीशु मसीह आकर राज्य करेगा उसकी झलक हम लोग दिखा सकते, और जो हमारी वास्तविकता है उसकी झलक पुराने नियम में दिखाई दे, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, न्यायियों के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा। तो जो पुराने नियम में बातें थी वो झलक है, वास्तविकता हमारे साथ। तो जो कुछ हमने वहां पढ़ा उसको वास्तव में यहां पर अनुभव किया जा सकता है, और इससे बेहतर जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तब अनुभव किया जाए। तो बाद की बातें तो तब होंगी जब होगा, लेकिन अभी जब हम जी रहे हैं, हमारा दावा इस बात पर है कि जो कुछ पुराने समय में हो चुका है, जैसा परमेश्वर का आत्मा कर चुका है आवश्यकता के अनुसार, वो हमारे साथ में भी करेगा। लोगों ने इस बात को कब का रिजेक्ट कर दिया था, लोगों ने तो ये भी थ्योरी बना ली कि परमेश्वर का आत्मा अब काम नहीं करता उस रीति से, वो पहली शताब्दी तक के लिए था, जब तक बाइबल कंप्लीट नहीं हुई थी तब तक के लिए। वे लोग उसके लिए तर्क भी देते, पद भी दिखाते, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ वैसा नहीं। परमेश्वर का आत्मा नए नियम के हर युग के लिए, हर समय के लिए, हम लोग उसको क्लेम कर सकते हैं। उसी के लिए मैं आपको 2 पद दिखाना चाहता हूं, गिनती की पुस्तक और उसका 11 अध्याय देखकर हम लोग समाप्त कर रहे हैं। गिनती की पुस्तक अध्याय 11 पद 29, ये उस समय की घटना है जब 70 अगुए मूसा के पास में लाए गए हैं, और परमेश्वर कह रहा है कि तुझ में जो आत्मा है मूसा, उससे लेकर मैं 70 लोगों पर डाल दूंगा, वे तेरे साथ बोझ उठाएंगे। और ऐसे ही हुआ, 70 लोगों में से 68 लोग इकट्ठे हुए, 2 लोग कैंप में ही रह गए, अपनी जगह पर नहीं आए, लेकिन उनका नाम लिस्ट में था, 70 पुण्यों की लिस्ट में था। और तब परमेश्वर ने जो काम कहा था उसने उसको पूरा किया, उसने उनके ऊपर आत्माओं दे दी, वे नबूवत करने लगे। मूसा इधर में है और उसके सामने 68 लोग नबूवत कर रहे हैं, लेकिन जो 2 लोग कैंप में रह गए थे उन पर भी परमेश्वर का आत्मा आया और वे भी वहां पर नबूवत करने लगे।
यहोशू पर आत्मा नहीं आया था, यहोशू को थोड़ी जलन हुई कि अरे वो लोग नहीं आए तो क्यों उन पर आत्मा आ गया, उन पर तो नहीं आना चाहिए, उनको तो चुप कराना चाहिए। और मूसा को कहने लगा कि वो लोग तो जो कैंप में रह गए, जो तेरी बात मानकर यहां नहीं आए, उन पर भी आ गया है, तो रोक दे उनको। हम इसको पढ़कर देखेंगे, 29 से पहले पद 28 को देखिए। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे, तो नबुवत क्यों कर रहे हैं। तब मूसा ने जो जवाब दिया वो महत्वपूर्ण है। मूसा ने उससे कहा, क्या तुम मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सभों में समुआ देता। उसने कहा कि भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते। तू मुझे दो लोगों को रोकने के लिए बोल रहा है, ज्यादा लोग ही बोले तो ही अच्छा, सारी प्रजा के लोग नबी होते और सब में यहोवा अपनी आत्मा समुआ देता। उसने इस बात को कहा, मैं इस बात को सोचता हूं, कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु उस व्यक्ति को बचा ले, उस व्यक्ति पर दया कर, उस व्यक्ति पर तरस कर। तो क्या जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो हम लोग परमेश्वर से ज्यादा दयालु हैं कि परमेश्वर को उस पर दया नहीं आ रही है, मुझे दया आ रही है और हम कह रहे हैं कि प्रभु तू भी उस पर दया कर। हम लोग परमेश्वर से ज्यादा दयालु नहीं है, लेकिन कभी हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो उसका अर्थ यही है कि परमेश्वर को ही उस पर दया आ रही है, लेकिन वो एक माध्यम चाहते हैं जिसके द्वारा उस पर काम करे, और इसीलिए वो अपने बोझ को हमारे साथ शेयर करता है और उसका अनुभव करते हैं, तब हम बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं और तब परमेश्वर काम करता है। तो उसी रीति से जब मूसा यहां पर कह रहा है कि भला होता कि यहोवा के सारे प्रजा के लोग नबी होते, यहोवा अपना आत्मा उन सब में समुआ देता, तो यह भलाई की बात इस मामले में क्या मूसा परमेश्वर से ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बेहतर सोच सकता है, क्या भला है क्या बुरा? कि परमेश्वर नहीं सोच पा रहा है, वो सिर्फ 70 लोगों के लिए सोच पा रहा है और मूसा सोच रहा है सारी प्रजा के लिए, तो मूसा ही ना अच्छा हुआ। लेकिन नहीं, अगर मूसा ऐसे सोच पा रहा है तो इसी कारण सोच पा रहा है क्योंकि परमेश्वर उसको ये सोच दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर ये योजना बना रहा था कि आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा जब मैं अपनी आत्मा सबके भीतर समा दूंगा और लोग नबी हो जाएंगे, नबी से भी बड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और अभी ही वो समय है। उसने बकायदा इस बात को योएल से भी कहलवाया, दूसरा अध्याय उसके 28 से देखिए, योएल नबी की पुस्तक और उसके दूसरा अध्याय और पद 28 से आगे लिखता है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। उसने कहा सब प्राणियों पर, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh, all flesh मतलब सब शरीरधारियों पर, सब जिनके पास मांस है। मूसा कह रहा था भला होता कि सारी प्रजा के लोग नबी होते, यहोवा कहता है कि मैं उन बातों के बाद अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुरनिय स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, मैं आकाश में पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। उसने कहा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और इस भविष्यवाणी की पूर्णता पेंतिकोस्ट के दिन से आरंभ हुई, जब पतरस वहां पर खड़ा होकर कहने लगा, जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, वो कहने लगा कि ये तो योएल नबी के भविष्यवाणी की पूर्णता है, उसने कहा था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, सो उसने हम पर उंडेल दिया है। सो वो युग हम इंतजार में नहीं है, वो युग कब का शुरू हो चुका है, वो युग आज से 2000 साल पहले स्टार्ट हो चुका है, वो पेंतिकोस्ट के दिन से स्टार्ट हो चुका है। तो जब से पेंतिकोस्ट का दिन आया, जो कुछ मूसा ने कहा था भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और वो अपना आत्मा उनमें समुआ देता, वो वचन पूरा होना आरंभ हुआ। जो योएल के मुंह से निकला था मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, ये सिर्फ मूसा की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है।
वो चाहता है कि हम में से प्रत्येक जन उसकी आत्मा से परिपूर्ण रहे और हम लोग नबी हों, इस युग के नबी। जब हम भविष्यवाणी करें, जब हम स्वप्न देखें, जब हम भेदों को बताएं, जैसे यूसुफ ने किया, जैसे दानियल ने किया। अवश्य है कि हम लोग किसी को मार डालने के लिए नहीं, अब यहोवा का आत्मा सिमसोन जैसे हमारे ऊपर नहीं आएगा कि हम जाके किसी को मार डालें। अब यहोवा का आत्मा गिदोन जैसे हमारे ऊपर नहीं आएगा कि हम जाके मिद्यानियों को मार डालें। मकसद जो वहां था वो पूरा हुआ। मकसद ये था कि इजरायली सुरक्षित किए जाए, वो मकसद काम कर चुका है। अब वो सब लोगों को बुला रहा है। अब यहोवा का आत्मा आता है सबको बुलाने के लिए, सबको बचाने के लिए, और उस पर हमारा दावा है। उसका दावा हमारे लिए और भी स्पष्ट हो जाता है एक और पद से, इसको पढ़ेंगे हम लोग समाप्त करेंगे। गलातियों की पत्री अध्याय तेरह और उसके पद अध्याय तीन पद 13-14, वहां लिखता है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, क्योंकि परमेश्वर सब लोगों पर अपना आत्मा नहीं उंडेल रहा था पुराने नियम। मुझे नहीं मालूम क्यों वो किस पर अपना आत्मा उंडेलता था, ये उसकी अपनी मर्जी थी। उसने खुद भी कह दिया कि मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। ये ना तो दौड़ने वाले की, न चाहने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। तो उस समय वो चुनकर किसी पर उंडेलता था, लेकिन वो चाहता था कि सब पर उंडेले एक खास समय के बाद। उस समय हो सकता है कुछ रुकावट थी, उस रुकावट को मसीह ने दूर कर दिया। यहां पर कोई श्राप के रूप में थी वो रुकावट, मसीह ने उसको दूर कर दिया ताकि वो रुकावट ना रहे, वो सब लोगों पर अपना आत्मा उंडेल सके। और यहां पर लिखा है मसीह ने जो हमारे शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। मसीह शापित बन गया, उसने हमारे श्राप को या व्यवस्था के श्राप को हमारे ऊपर से उठाकर क्रूस पर जड़ दिया, और वो शापित बन गया, हमें श्राप से छुड़ाया। और लिखता है पद 14, क्यों उसने ऐसा किया? यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। मसीह यीशु क्रूस पर क्यों मरा? उसके क्रूस पर मरने के पीछे जो भलाई है उसमें से एक ये भी है कि हम विश्वास के द्वारा उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो उसका पवित्र आत्मा हम सब के लिए है, उसका पवित्र आत्मा नई वाचा के सब लोगों के लिए है, उसका पवित्र आत्मा संसार के सब लोगों के लिए भी उपलब्ध है यदि वे नई वाचा में शामिल हो। उसका आत्मा हमारे लिए है। ये वो युग है जिसके विषय में मूसा ने सोचा, भला होता वो युग, मूसा उस युग में नहीं जा सका, हम हैं। योवेल ने भविष्यवाणी की, उसने जांच पड़ताल खोजबीन की कि मसीह के आने के बाद उसके दुखों के बाद जो महिमा का समय है वो क्या है, कैसा है। योवेल उसमें नहीं पहुंच सका, लेकिन हम हैं, हम उसे बेहतर समय में रह रहे हैं, हम असीमित संभावनाओं के साथ में जी रहे हैं, क्योंकि जो पवित्र आत्मा सारी सीमाओं को जिसने बनाया है, नियमों को बनाया है, जिसके अनुसार हम चलते हैं, वो उससे परे रहता है, उससे परे काम भी कर सकता है, वो हमारे लिए उपलब्ध है। हम सीमाओं के परे जाने के लिए, हम असीमित परमेश्वर की सहभागिता में हैं, और हम असीमित होने के लिए बुलाए गए हैं। हम लोग और भी गहरी बातों को आने वाले समय में सीखेंगे, तब तक आप इन बातों को पढ़िए। और भी बातें हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा, लेकिन जब आप इनको पढ़ते हैं आप हृदय उत्साहित होने पाए। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये सिर्फ घटनाएं नहीं जिनको पढ़कर हम कहें ऐसा हुआ था कितना अच्छा। ये वो बातें हैं जिनको हमें अनुभव करना चाहिए, ये हमारे लिए ही लिखी गई। सो आप इस रीति से पढ़ें कि मानो आप उसको अनुभव करना चाहते हैं और वो बातें हमारे जीवन में होंगी। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपना अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट किया है, क्योंकि हम इस बात को देखते हैं कि जब पुराने नियम में तू लोगों को चुनता था, तेरा आत्मा उन पर आता था, हम नहीं जानते वो कितने समय तक उनके जीवन में रहता था, क्योंकि वो आता था और वो जाता भी था, लेकिन तूने नए नियम में उससे बढ़कर हमारे लिए किया है,
तूने एक ऐसा युग हमारे लिए ठहराया जिसमें वो वचन पूरा हो सके कि भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और वो अपना आत्मा हम सब में समवा देता। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के बाद में आए हैं और यीशु मसीह क्रूस पर शापित बना ताकि हम उस प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि उसके लिए हम अपने आप से कोई क्वालिफिकेशन नहीं लाते लेकिन यीशु मसीह ने वो क्वालिफिकेशन क्रूस पर मान ले दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम उस पवित्र आत्मा को विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। पिता तू अनुग्रह कर जब हम उस पद उन वचनों को जो पुराने नियम में लिखे गए हैं जहाँ तेरे आत्मा के काम प्रकट किए गए हैं पिता, जब हम उनको पढ़ते हैं हमारे मनों को उत्साहित करने पाए ताकि हम उन बातों को पढ़कर यूं ही गुजार न दें लेकिन हम उन बातों को अपने समय में होते हुए देखने के लिए जलन रख सकें। पिता हम भी कह सकें, हम भी वो लालसा रख सकें जो पुराने समय में हुई है वो बातें अपने समय में हम होते हुए देखें, जो जरूरत है उसको पूरी होते हुए देखें, तेरे आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखें, तेरे भेद और प्रकाशन की बातों को प्रकट होते हुए देखें और तेरे महिमा और सामर्थ्य के काम प्रकट किए जाए। हम सारे संसार के लोगों के बीच में तेरे मुख बन जाए और उनको हम तेरी ओर से बोल सके। पिता हम धन्यवाद करते हैं, तुम्हारी मदद करें, आने वाले समय में और भी गहरी बातों को सीखने में हमारी सहायता कीजिए ताकि हम सीखें आगे बढ़ते चले जाएं आपकी महिमा के लिए। यीशु मसीह के नाम।